ठीक है, मेरा माइक म्यूट था। तो मैं सबसे पहले बात ये कह रहा था कि भाई मैं फ्रूटी पी रहा था, ठीक है, और पीछे भाई उन विलेजर्स को लाज ना लज्जा कुछ भी, मतलब ऐसी चालू है भाई उनका तीन तीन जनों का। तो यही बस बोला था मैंने, और कुछ नहीं बोला, बस यही वॉइस कट हुई थी। फिलहाल गाइज यहाँ पे हमारा लास्ट जो वॉल्ट हंटर था, मतलब जो वॉल्ट रन था, वो ख़राब गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास रीजनरेशन के लिए कुछ था ही नहीं। बट अभी मैंने एक मोड ऐड कर दिया जिससे हम रीजनरेशन ले पाएंगे। बट उस मोड के लिए अपने को स्लॉट ओपन करने होंगे। यहाँ पे तीन स्लॉट हमें मिलते हैं, तो इन तीन स्लॉट में हम अपने हिसाब से पोशंस लगा सकते हैं। मतलब एक बार अगर हम पोशंस बना लेंगे ना, तो वो पोशंस हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा एक पोशन परमानेंट हो जाएगा, फिर उसी को हम यूज़ करते रहेंगे बार बार। तो गाइज़ कैसे हो भाई, सभी लोगों का स्वागत है। एंड गाइज़ मैंने पॉइंट सिस्टम कर दिया है चैट में, भाई आप एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट लिख सकते हो, जैसा कि मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ऐसा आप कुछ लिखोगे तो भाई जो मतलब पॉइंट्स वगैरह है वो आएंगे। आए क्यों नहीं भाई, मैंने ऑन तो किया है यार वो, लेकिन पॉइंट सिस्टम दिखा नहीं रहा है इसमें। सही से हुई नहीं सेटिंग। मेरे को लग रहा है ठीक से सेटिंग नहीं हुई वो, है ना। देखना पड़ेगा वापस से। देखो तो मैं एक बार ही साइट पे जाके देख लेता हूँ। मैंने पॉइंट सिस्टम तो किया है भाई, मतलब जो 5 मिनट तक देखेंगे उसको एक पॉइंट मिलेगा। रुको भाई रुको, अभी पॉइंट सिस्टम पता नहीं क्या हुआ, वो मैंने ऐड तो किया है। कमांड, डिफॉल्ट कमांड, यही तो है डिफॉल्ट कमांड पॉइंट की, लॉयलिटी पॉइंट्स, डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ करंट यूजर्स। ओके पॉइंट्स ठीक तो है। पॉइंट्स, पॉइंट्स की स्पेलिंग एस जरूर लगाना है पॉइंट्स के पीछे। चलो कोई ना, वो शो नहीं कर रहा है, मैं उसको सेटअप कर दूंगा वापस से लॉयलिटी में जाके। नो यूजर इन दिस लिस्ट, रीसेट रॉयल्टी डाटाबेस, ऐड पॉइंट टू ऑल व्यूअर्स। मैं एक एक पॉइंट दे के देखता हूँ सबको। कोई टू ए पे आउट, शायद इसमें यूजर्स रुको गाइस, मैं एक बार और देख लेता हूँ करके भाई। मेरे इसमें तो वो स्ट्रीम लैब ही नहीं आ रहा है ना, शायद मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, नाइट बोर्ड को, है ना, तब आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार नाइट बोर्ड को हटा के देखता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो दो एक साथ होते हैं ना, तब भी नहीं आता है वो, हो सकता है नाइट बोर्ड दिक्कत है कर रहा ना। हो। एक बार नाइट बोर्ड को हटा के देखता हूँ, एक सेकंड गाइस, सब्र करो थोड़ा। ओके अब रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। हाँ अब थोड़ा 10 या 15 सेकंड बाद कुछ रिफ्रेश होने के बाद दिखाई देगा, क्योंकि नाइट बोट अभी भी आ रहा है। चलो गाइस 4-5 मिनट तक हम रुक जाते हैं, बाकी मैं एक बार अलर्ट्स वगैरह टेस्ट करके देखता हूँ। ओके अलर्ट्स काम कर रहे हैं ठीक से, बस ये कमांड्स वाला हाँ।
नाइट बोर्ड तो अभी भी आ रहा है यार, जबकि नाइट बोर्ड तो मैंने हटा दिया। ओके ठीक है भाई, एक चीज मेरी डिसेबल हो रखी थी वो मैंने ऑन ही नहीं की थी, लोल अब आएगा। माय बैड गाइस, अब आएगा, बस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अब आ जाएगा। मैंने इसको ऑन ही नहीं किया था, वाह भाई सब कुछ सेटअप कर दिया लेकिन मैंने इसको ऑन ही नहीं किया था। देखो आ गया ना, आ गया। फालतू में मैंने नाइट बोट को और भगा दिया बेचारे को, रुको उसको नाइट बोट को वापस लेके आता हूँ। बेचारे नाइट बोट को और लात मार दी मैंने। नाइट बोट भी वैसे सही काम करता है ना, काफी स्ट्रिक्ट होता है नाइट बोट। स्ट्रिक्ट है बंदा नाइट बोट अपना। अरे अभी से ही पॉइंट थोड़ी मिल जाएंगे तुम लोगों को भाई, 5 मिनट में 1 पॉइंट मिलेगा। सब्सक्राइब पे मिलेंगे आपको 20 पॉइंट, और जब मेंबरशिप लोगे तो आपको उस पर 30 पॉइंट मिलेंगे, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट गिने जाएंगे हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर में, वो हमारे इसका मॉडरेटर भी बन सकता है चैनल का, और उसको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हम प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा प्रीमियम मेंबर बन जाएगा बोले तो। चलो नाइट बोर्ड भी वापस आ गया, लेट्स गो। अभी नाइट बोर्ड भी अपना काम वापस शुरू कर देगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब चला चलते हैं गेम पे। चलो मैं गेम पे वापस आ गया हूँ। नाइट बोट जल्दी से आ जाओ, पैसे भी मैं सोच रहा हूँ रिचार्ज दूंगा ना इंटरनेट का, सही रहेगा रिचार्ज या ऐसा कुछ बढ़िया सी चीज़ देंगे। ओके नाइट बोट अभी आया नहीं, अगर आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, नाइट बोट भी आ गया भाई, वापस आ गया नाइट। ये फिर से झुंड लगा लिया इन्होंने, ये कहाँ से भाई मेरे घर के अंदर ही क्यों आ रहे हैं यार इन्होंने, और दिमाग खराब कर रखा है यहाँ पे। इनको उठा ही लेता हूँ मैं, इनका इरादा मेरे को सही नहीं लग रहा है। तू भी आ जा भाई, क्लैरिक आ जा। देखो कितने सारे विलेजर हो गए यार, चलो ठीक है आने दो आने दो। सारे तो नहीं उठा लिए मैंने गांव के, पता चल रहा है भाई सारे उठा लियो काम खराब हो जाएगा, पॉपुलेशन खराब हो जाएगी हमारे यहाँ की। चलो भाई अभी चलते हैं वॉल्ट के अंदर, बट उससे पहले अपने को पोशन बनाना है भाई, और पोशन बनाने के लिए मेरे को रीजनरेशन 2 बनाना है। देखो एक पोशन तो मेरे पास पड़ा था या यूज़ हो गया था ना मेरा एक, यार लास्ट वाला यूज़ हो गया था, तो मैंने अदर वॉल्ट लेके आ गया हूँ, तो अब मेरे को ईजिली बन जाएगा भाई पोशंस। तो ये रही 3 बोतलें, सबसे पहले मैं ऑकवर्ड पोशन बनाऊँगा ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन वाला बनाएंगे। उसके लिए एक फ्रूट लगता है एप्पल, और 4 एप्पल है मेरे पास, बहुत ध्यान से यूज़ करनी पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर 20 प्रकाश वर्मा भाई, थैंक यू सो मच, स्वागत है भाई प्रकाश वर्मा की पहली सुपर चैट। चलो ऑकवर्ड पोशन बन के तैयार है, अब रीजनरेशन पोशन बनाने के लिए मेरे को ऑकवर्ड पोशन में एक गोल्डन का एप्पल डालना पड़ेगा। चलो भाई अब ये रीजनरेशन बन जाएगा, मेरे पास ग्लो स्टोन है पड़ा हुआ है, तो मैं ग्लो स्टोन डाल करके उसको रीजनरेशन 2 में कन्वर्ट कर लूँगा, है ना 2 में ही होता है ना शायद, देखता हूँ। हीलिंग पोशन 2, ओके हाँ हो जाएगा, इंस्टेंट हेल्थ हो जाएगा, इंस्टेंट हेल्थ को इंस्टेंट हेल्थ 2 हो जाएगा। हाँ अब ये इंस्टेंट हेल्थ 2 हो जाएगा, यस नाइस। और मैं सिंगल प्लेयर में हूँ तो मैं इसको पीने वाला बनाऊंगा, स्प्लैश वाला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्प्लैश वाले में थोड़ा कम मिलता है। वॉइस कम आ रही है, सही में कम आ रही है वॉइस। हेलो 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 हेलो, मेरे को तो लग रहा है ठीक है आई थिंक, है ना, चेक करता हूँ। देखना एक बार क्या वॉइस कम आ रही है क्या, मेरे यहाँ पे तो येलो तक जा रही है गाइस, वॉइस कम आ रही है क्या मेरी। हेलो हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्ट,
ठीक आ रही है, सही आ रही है फिर यार। चलो गाइस अब जरा ढूंढते हैं, पहले यार पोटैटो को थोड़ा उबाल लेता हूँ, मतलब पका लेता हूँ। अपने को ढूंढना है अब स्लॉट, और स्लॉट ढूंढने के लिए मेरे को बहुत सारे, अबे ये कितने सारे आयरन गोलम आ गए, मेरे को फाइट करनी पड़ेगी स्लॉट ढूंढने के लिए भाई। ठीक है, जॉम्बीज से, और जॉम्बीज रैंडमली ड्रॉप करेंगे जो वो है स्लॉट, ड्रॉप किया नहीं ड्रॉप किया, ये क्या है क्रैब, अबे कितना हेल्थ है इसका, मर नहीं रहा। तो गाइज अब मेरे को थोड़ा सा हंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को स्लॉट चाहिए, और स्लॉट रैंडमली ही ड्रॉप करेंगे ये। भाई मेरे को स्कैलिस से फाइट नहीं लेनी, बाकी सबसे लूंगा। मेरे को एक मॉब फार्म वैसे तैयार कर लेना चाहिए, सही देख लिया, एक से दो का निशाना हो गया। अब यार ये भी तो रैंडम गिराएंगे स्लॉट, एकदम से गिराते नहीं है, और लूटिंग नहीं है मेरे पास, लूटिंग होता तो थोड़ा चांस ज्यादा भी रहता। वो तो अच्छा मैं डेजर्ट के पास हूँ, डेजर्ट में थोड़ा ज्यादा गिरता है सामान, और ज़ॉम्बीज थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं डेजर्ट में। भाई ये बड़ा खतरनाक काम है, यार गिरा दो कोई एक तो गिरा दो। गाइस ये ड्रॉप ना बहुत रैंडम मिलेगा मुझे स्लॉट का, बट मेरे को ढूंढना तो पड़ेगा ही। पब्लिक स्कूल एडमिशन नंबर, ये कैसा नाम है भाई, अरे ये वाला क्या नया है क्या, टेंपल नहीं वो ही है शायद, शायद मैंने ये लूट लिया था ना, चेक करता हूँ एक बारी। अरे भाई इनसे नहीं भिड़ना मेरे को स्कैली से यार, कितने स्कैली पड़ गए मेरे पीछे। चलो इसको मारते, मैंने इसको नहीं मारा अभी तक एक भी बार। अरे यार एक स्लॉट खुल जाए बस, फिर उसके बाद मैं वॉल्ट खोलूंगा सीधा, वॉल्ट तो मैंने बना के रख दिया है। ये क्या है भाई, ब्लीज ब्लीज पाउडर, ये कौन सा ब्लीज पाउडर है भाई, निकल भी नहीं रहा वो ब्लीज पाउडर। अबे अब तो ये पॉइंट स्पैम हो गया यार, चैट में कुछ लिख ही नहीं रहे लोग बाग। तो भाई देखो वॉच टाइम बढ़ाना गाइस अपना, तो वॉच टाइम बढ़ाना सही रहेगा यार, कॉल भी क्योंकि वॉच टाइम बढ़ाओगे तभी आपको फायदा है इन पॉइंट्स का, ठीक है, और तभी आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। मतलब अगर आप 5 मिनट में AFK हो गए ना, कि आपने चला के छोड़ दिया, तो काउंट नहीं होगा, आपको चैट करते रहना होगा बीच बीच में, तो सही रहेगा, चाहे कुछ भी लिखना लेकिन चैट करते रहना होगा। क्या गिराया इसने, अरे यार कैरेट गिराई है इसने, मुझे लगा मिल गया मुझे कुछ बढ़िया चीज। क्या लिखा इसने इतने बड़े मैसेज में,
मेरी इस आईडी में स्ट्रीम लैब किसी भी स्ट्रीम में नहीं दिखता, मैंने बहुत स्ट्रीम में देखा है किसी स्ट्रीम लैब नहीं दिखता, अभी दूसरी आईडी से कहता हूँ दिखता रहा हूँ क्या करूँ। कोई ना, जिस आईडी से दिखता है उस आईडी से आ जाना, मैं तुम्हें उस आईडी से मोड बना दूंगा। फिलहाल तो अभी इसी से काम चला लो। अरे यार ये स्कैलिस, मेरे को यार लूटिंग का जुगाड़ करना चाहिए ना, ऐसे तो मेरे को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। या शायद एक्सपीरियंस तैयार करो। या ना भी मिले, या एक लाइब्रेरियन को ही तैयार करना पड़ेगा लूटिंग के लिए, है ना? सही कह रहे हो, मैं लाइब्रेरियन तैयार करता हूँ लैक्टन बना करके, घर की तरफ निकलता हूँ। लूटिंग से स्लॉट भी मिल जाएगा और वो रेड करवाओगे तो क्या पता उसका एड भी मिल जाए। हाँ वही तो। अरे थैंक यू सो मच फॉर योर 40 कोबरा गेमिंग भाई। भाई मैं आपकी मेंबरशिप नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, ले सकते हो। 54 मेंबर्स हो गए हमारे, आपको क्या हुआ? छोटी मेंबरशिप लो ना पहले, फिर उसको अपग्रेड कर लेना, क्या पता बड़ी मेंबरशिप में कुछ ग्लिच हो गया हो। ये कौन सी डिस्क है भाई, हैवी विंड? ये कुछ अलग डिस्क मिली है मुझे, पहली बार देखे मैंने ऐसे डिस्क। खाना भी बहुत कम है मेरे पास। शायद मेरे को रेड करवाने से ज्यादा चांस लग रहे हैं कि अगर मैं रेड करवाऊंगा ना, और क्या पता मेरे को एग भी मिल जाए उसका, विंडिकेटर का, है ना, एम्बरल का जुगाड़ हो जाएगा। मेरे को लूटिंग का ही जुगाड़ करना चाहिए यार। कहाँ गया मेरा घर, वो रहा सामने। यहाँ तो तुड़ाई हो रही है मेरी सही तरीके से। पाजा अलादीन को ड्रैग करना। एक सेकंड। यो ब्रो आई एम लाइव। मैं कब से देख रहा हूँ, लाइव तो दिखा रहा नहीं है। लाइव नहीं दिखा रहा, क्या बात कर रहे हो? मैं बोला यार ये दोनों ऊपर बैठे मतलब लाइव रहेंगे। हाँ लाइव चल रहा है। OTX guys, can we hashtag OTX in the chat guys? 55 members OP बोलते। Okay भाई अपने पास एक खतरनाक बंदा आया है, लेकिन बाहर भी एक खतरनाक बंदा घूम रहा है, क्रीपर। इससे बाद में मिलेंगे, पहले दिन करवाते हैं भाई। अरे मेरा दूसरा जीमेल लॉगिन था, उससे भी कर लेता हूँ। Guys, can we hashtag OTX gold in the chat? Gifted one sunny membership। अरे ये मेंबरशिप गिफ्ट करी है भाई, किसको गिफ्ट करी है? इसको कैसे करते हैं यार रिडीम? मेरे को आता नहीं है ये वाला। मिल गई होगी शायद रैंडम किसी को। अच्छा रैंडम किसी को मिलती है क्या? किसको मिली? पिच पे तो ऐसे काम करता है, यहाँ का पता नहीं। ओके गाइस भाई ये वाली किसको मिली मेंबरशिप? ये मेंबरशिप गिफ्ट करी है OTX गॉड ने। गाइस कैन वी हैशटैग OTX गॉड इन द चैट भाई। सपोर्ट किया इन्होंने भाई अपनी 4x4 आर्मी को, तो कर दो भाई हैशटैग। Let's go. Thank you so much, भाई OTX gold. खाने का सामान इधर ही डाल देता हूँ, बोन भी। ये वाले क्रिस्टल भी तोड़ लेता हूँ फॉर्चून से, दो तीन। ये नए क्रिस्टल मिले थे मुझे, 4 क्रिस्टल और हो गए मेरे पास, 6 हो गए, और 2 मैंने बना के रखे हुए गाइस ये रहे, ठीक है? इनका यूज करेंगे अपन जल्दी, बट फिलहाल दिक्कत है। और ये भी बोल रहा है मुजम्मिल भी हैं परचेज नहीं हो, मुजम्मिल भी बोल रहा है मेंबरशिप परचेज नहीं हो रही है। हो रही है ना वैसे?
नहीं हो रही, वो बोल रहा है नहीं हो रही। किसी किसी का लगता है दिक्कत हो रहा है, मैं चेक करता हूँ एक मिनट। एक बार ही देखना चेक करके मतलब क्या प्रॉब्लम है, फिर अगर ये नहीं हो रहा था फिर जनरली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। चलो गाइस कैरेट उगाते हैं तब तक अपने घर पे आसपास। अरे मेरी वो कांगई हुई, वही लेके चलता हूँ। अबे यार ये मर जा। ओ नाइस। अरे आयरन गोलम यार इसको पेल दे क्रीपर को, तू कैसे भी करके। यार ये फूट कैसे गया क्रीपर यार, इतना इतना ज्यादा बचाव कर रहा हूँ फिर भी फूट गया। चलो गाइस थोड़े से यहाँ पे गाजर उगा देते हैं, इधर शायद गाजर, यार इधर भी नहीं है। चलो भाई खाने का जुगाड़ तो हो रहा है। प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आ रहा है, काम नहीं कर रहा है बटन, जैसे जोन पे कर रहा हूँ आगे चल नहीं रहा। अच्छा शायद कुछ मोबाइल में आ रही है, मुझे शायद आगे से ही कुछ दिक्कत लग रही है ये। नहीं ये मोबाइल में ये दिक्कत खाली मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मोबाइल से नहीं हो रही है मेंबरशिप है ना, और पीसी से। चेक करता हूँ मोबाइल से भी होगी एक बार, यूट्यूब पूरा बंद करके चला के देखो क्या पता मेरा फिर से ऑप्शन काम कर रहा है। ये मेरे को मेरी तरफ से तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस पार्क अपडेट करने हैं मतलब इमोजीज वगैरह डालने, बाकी सब चीज़ों मैंने सेटअप करके रखी हुई हैं, नए इमोजीज डालने क्योंकि बहुत सारे स्लॉट खुल गए हैं मेंबरशिप की वजह से, बहुत सारी मेंबरशिप ले लिए ना लोगों ने। ये क्या बेच रहा था यार, कुछ ये तगड़ी चीज बेच रहा था। रूनिक टॉम डार्क यूटिलिटीज रेडस्टोन टॉम, ये कुछ तगड़ी चीज तो बेच रहा है बट अभी तो नहीं चाहिए यार, अभी पैसों की बहुत कमी है। मैं गाजर पका भी सकता हूँ ना, नहीं यार गाजर को ऐसे ही खाना पड़ेगा। हलवा बनाओ, हलवा गाजर का हलवा बनाओ। गोल्ड कितना है मेरे पास, गोल्ड भी बहुत कम है। चलो थोड़ा गोल्ड की कैरेट बना लेता हूँ, काम आएंगी। गोल्ड वैसे अच्छा सैचुरेशन देता है गोल्ड की कैरेट, बस थोड़ी सी महंगी पड़ती है। वो देखो ना ले ली इन्होंने मेंबरशिप बिरवा ऑफिशियल। गाइस कैन वी हैशटैग बिरवा ऑफिशियल इन द चैट गाइस, लेट्स गो। अपने एक और नए मेंबर आ गए हैं भाई, यार ले तो पा रहे हैं यार मेंबरशिप, ये शायद उनका कुछ ग्लिच चल रहा है, मतलब बीच बीच में शायद कुछ ग्लिच हो रहा होगा है ना। पूरा YouTube बंद, मुझे अभी कुछ सेकंड ना मुझे चैट नहीं दिख रही थी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, YouTube का ग्लिच भी हो सकता है। चलो यार लूटिंग का जुगाड़ करते हैं, मैं लैक्टन बनाता हूँ यार, उसके लिए मेरे को एक लाइब्रेरियन चाहिए होगा। लाइब्रेरियन के लिए लैक्टन मेरे को बनाना ही पड़ेगा, मतलब मेरे को एक बुक शेल्फ बनाना पड़ेगा। कितनी बुक है मेरे पास, 5 तो है, मतलब एक बुक शेल्फ तो बन जाएगा। चलो चलो एक तो बन ही गया, अब इस एक से ही लैक्टन बन जाएगा। नाइस बहुत बढ़िया, स्लैब्स बना दो। ये बन गया लैक्टन, ऐसे ही था ना। यस चलो भाई लैक्टन अपना बनके तैयार है, ये भी पूरा भर गया है। मेरे को चेस्ट अपग्रेड भी करनी पड़ेंगे भाई, ऐसा लग रहा है मुझे।
एक और लिया है। ओके चेतन TYG एंकर भाई, अपने पास दो मेंबरशिप और आ गई है, चेतन यादू एंड TYG एंकर। गाइस कैन वी हैशटैग TYG एंकर एंड चेतन यादू, यादव होगा क्या, यादू है, यादू आई थिंक यादव रहेंगे, यादव डाला शॉट पर। हेलो सौरभ कैसे हो भाई, स्वागत है आपका। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा विलेजर तो मेरे पास घर में ही पड़े हुए हैं काफी सारे, इन्हीं में से एक उठा लेता हूँ। ये तो निटविट है, ये रहा विल्ला, विल्ला विलेजर, इस पे कोई जॉब नहीं है तो मैं काम है ना कर रहा है ना, बीच बीच में शायद वो कुछ दिक्कत कर रहा है, वैसे काम कर रहा है। चलो भाई ये लाइब्रेरियन आ गया हमारे पास, नॉक बैक टू की बुक दे रहा है, नॉक बैक टू नहीं चाहिए रे बाबा। एक और मेंबर आया यहाँ पर, हंसु चौधरी। ओके गाइस कैन वी हैशटैग हंसु चौधरी, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं चैट में। अरे भाई तुमने क्या रिन्यू किया है क्या उसको? बिरवा ऑफिशियल थैंक यू सो मच फॉर योर 20 भाई, अपने पॉइंट बढ़ा रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है। सही है भाई, चलो सही है यार, रिटर्न में भी मिलेगा आप लोगों को। गिव अवे भी रख सकते हैं वैसे हम, पॉइंट सिस्टम मतलब जितने गिव अवेज भी रख सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे मैंने देखे थे खोल के। मेरे पास एग कौन से, पिलेजर का एग है एक, और इंचेंटर का है, ओ इंचेंटर का भी है नाइस, और ब्लेज का भी है। चलो ठीक है, मतलब तीन एग तो है ही मेरे पास, लेकिन यार स्लॉट नहीं है मेरे पास। इसके जॉब चेंज करके देखता हूँ, मल्टी शॉट, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, पावर 5 और बुक शेल्फ दे रहा है, थोड़ा महंगा है। थॉर्न्स दे रहा है, बुक शेल्फ दे रहा है, एम्ब्रल दे रहा है, रिप्टाइल इतना कुछ खास नहीं दे रहा वैसे, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 9 में ही दे रहा है ये ज्यादातर, रेस्पिरेशन, चैनलिंग, होल्डिंग 9 में दे रहा है, डेप स्ट्राइडर शायद अब इसकी ये रिपीट हो गई, कैपेसिटी अभी भी रिपीट नहीं हुई भाई, रेस्पिरेशन, होल्डिंग 2, एम्ब्रल फ्लेम, इन्फिनिटी, अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन, नॉकबैक 1, पोटैटो रिकवरी, क्विक चार्ज। हमें ये चीज है इससे ना, हमें लैक्टन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती इससे, साइकिल ट्रेड से, साइकिल ट्रेड बहुत सही लगा मेरे को। पोटैटो रिकवरी अगेन, स्वीपिंग एज, थॉर्न्स, क्या पता है मेरे को, ओ मेंडिंग तो मिल गया मेरे को, लेकिन मेंडिंग थोड़ा महंगा दे रहा है यार, चलो मेंडिंग नहीं लेते अभी अपने को लूटिंग की जरूरत है, लूटिंग का देखते हैं जुगाड़ कितनी देर में हो जाता है। स्वीपिंग एज 2, पंच, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, थॉर्न्स, स्वीपिंग एज 2, डेप स्ट्राइडर प्रोटेक्शन, इम्पेलिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, क्विक चार्ज, मल्टी शूट, आ गया लूटिंग, लेकिन बड़ी महंगी दे रहा है यार ये तो लूटिंग। ले लो बाजी, अब दे तो रहा है कम से कम, है ना, फिर पता नहीं अगली ट्रेड कितनी देर में करे। 19 एमराल्ड में दे रहा है, 19 है मेरे पास, चलो हो गया 19 का जुगाड़। एक बुक लगेगी इसको, वैसे मैं इसको अगर ज़ॉम्बी से कटवा दूं ना तो काम हो जाएगा, लेकिन यार फिर भी महंगा ही पड़ेगा है ना। मैं 1 और 1 मिला करके 2 बना सकता हूँ, 1 2 3, लेकिन उसके लिए मेरे को एक और खरीदनी पड़ेगी ना इससे, जिसके लिए मेरे को थोड़े वो चाहिए होंगे, एमराल्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा। गाइस कैन वी हैशटैग सुमित इन द चैट, गाइस लेट्स गो, एक और नए मेंबर आ गए भाई हमारे, सुमित भाई इनका भी स्वागत कर दो। मैं देखता हूँ मैं किस चीज़ से ज़्यादा एमराल्ड खरीद सकता हूँ, यार आयरन तो मेरे पास एक नंबर का ख़त्म ही हो गया लगभग, एक समझ लो। hmm.
किस चीज से ट्रेड कर सकता हूँ? स्टिक भी मेरे पास ज्यादा नहीं है। वीट और पोटैटो से कर लो। वीट और पोटैटो से ही करता हूँ है ना। फार्मर्स को ही पकड़ता हूँ। फार्मर मेरे पास बहुत सारे हैं, इनको ही पकड़ता हूँ। ये देखो वीट वाला, ये रहा, दोनों ही वीट वाले हैं। हाँ पोटैटो से भी दे रहा है। चलो इनको ही पकड़ता हूँ, पहले सो जाता हूँ, सुबह काम करता हूँ। इट डजंट गेट पॉइंट। पेड़ लगाओ, लगा लो पेड़, लगा लो पेड़। ये देखो गाइस एंडर ड्रैगन का एक मैंने यहाँ सजा के रख दिया है भाई। चलो गाइस अपन थोड़ा सा वीट पोटैटो बेचते हैं और उससे अपने को इजी फार्मिंग हो जाएगी। यहाँ पे था ना पोटैटो का, यार फॉर्चून मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फॉर्चून इसमें होई में लगा लूँ है ना, पिकैक्स से निकाल के इसमें लगा लेता हूँ होई में। एटलीस्ट मेरे को जब तक पोटैटो निकालूंगा जब तक तो बढ़िया चीज मिल ही जाएगी, बाद में वापस डाल दूंगा इसके अंदर। मैंने बुक बनाई थी ना डिसइंचेंटर की। अरे यार दे, एक ही चांस है मेरे पास निकालने का। निकल गई, निकल गई, नहीं निकली तो नहीं निकली। डिसइंचेंटर, एक ही चांस होएगा, निकली तो निकली, नहीं निकली तो नहीं निकली। आई होप कि निकल जाए एक ही बारी में। अरे नहीं निकली यार, किस्मत ही खराब है। अब बुके भी खत्म हो गई मेरे पास। लेदर कितने हैं और पेपर कितने हैं मेरे पास? पेपर पेपर शायद और चांस ले सकता हूँ मैं, रुको थोड़ी बुक्स बना लेता हूँ। एक तो मेरे को जो स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला ना मेरे को वहां पे भूखे ही नहीं मिली भाई, किस्मत इतनी खराब है ना क्या बताऊं। चलो अब तो निकल ही जाएगी 100%। चलो तीन बुक मिल गई मेरे को, बाकी रख देता हूँ। नमस्ते भाई नमस्ते। चलो निकल गई लूटिंग में, निकल गई लूटिंग कह रहा सॉरी, एफिशिएंसी और ये रही फॉर्चून। एफिशिएंसी भी ले ही लेता हूँ यार, अब क्या लगा पा भी पाऊंगा मैं इसमें? अरे यार मैं तो भूल ही गया यार, शिट फॉर्चून 3 चाहिए होगा मुझे तो यार। कट गया मेरा पॉपट। अब मेरे को 3 भी चाहिए होगा फॉर्चून इसके लिए। अच्छा 4 नहीं लगेगा इसका? नहीं लग रहा यार डायरेक्ट, शिट। ये तो बहुत दिक्कत है यार, मेरे को लो लेवल वाली बुक चाहिए ही होगी। हट यार पूरा टाइम वेस्ट हो गया और मैंने निकाल के और बैठ गया उसमें से फॉर्चून। अब पिकेक्स में भी नहीं लगेगी भाई, किस्मत यार एकदम ऐसे चल रही है। चलो कोई ना, अभी तो मेरे को फॉर्चून की जरूरत है नहीं। मेरे को यार लाइब्रेरी बना ही लेनी चाहिए मेरे को जल्दी से जल्दी है ना। एक मिनट रुको मैं टूल टूल देखता हूँ, इसमें टूल रिफोर्जिंग वाला भी एक शायद उससे कुछ हो जाए। ये रहा टूल रिफोर्ज। अरे भाई 2 डायमंड। चलो एक टूल रिफोर्ज बना के देखता हूँ, इससे भी काम हो जाता है टूल रिफोर्ज से। 2 डायमंड चाहिए, 4 आयरन के ब्लॉक चाहिए। मेरे को लग रहा सारा आयरन जाएगा आज। 1 2 3 4 4 ही चाहिए थे ना? यस 2 डायमंड, 1 2 एक कोई भी बुक चलेगी, सस्ती सी ले लेता हूँ यार जिसकी जरूरत नहीं है अभी। 5 2 ले लेता हूँ। चलो ये टूल, अबे अब ये इंचेंटेड बुक है तो मेरे पास इंचेंटेड बुक। नॉर्मल कोई बुक को इंचेंट हो गया, हो गया हो गया
नॉर्मल से हो गया काम। चलो गाइस काम हो गया, अब जरा इसको लगा के देखते हैं ये क्या चीज है। मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ लगा दो फिलहाल के लिए। ओके इससे हम लेवल कर सकते हैं टूल्स का। क्या मेरे को ऐसे करना पड़ेगा? इसका लेवल बढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? नेक्स्ट लेवल 2 अपग्रेड कॉस्ट 100 1000। किस चीज का चाहिए भाई लेवल मेरे को? 1000। जैसे अगर मैं लूटिंग इसमें डालूं, कई चीजें तो पल्ले ही नहीं पड़ती, सही बता रहा हूँ। मैं इसको पहले इंचेंट करता हूँ लूटिंग के साथ। नेक्स्ट लेवल बढ़ाने के लिए मेरे को, अच्छा हाँ एक चीज इसके, देखो इसके अंदर चीजें रख भी सकते हैं हम। मैं किसी भी चीज से लेवल बढ़ा सकता हूँ, जैसे स्टोन से भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कितने स्टोन चाहिए होंगे। एक सेकेंड, ये देखो बढ़ा सकता हूँ मैं, कुछ भी चीज से बढ़ा सकता हूँ मैं, चाहे पोटैटो डाल दो इसमें। देखो लूटिंग 2 हो गया, लूटिंग 3 भी हो जाएगा, लूटिंग 3 भी हो गया, नाइस। अब नेक्स्ट लेवल मेरे को बढ़ाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होगा, शायद मैं एक दो डायमंड डाल सकूँ, देखूँ कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें थोड़ी कम लगती हैं। ओके देखो डायमंड से हो रहा है, लूटिंग 4 हो जाएगा, ये बढ़िया, लूटिंग 4 नाइस। लूटिंग 5 के लिए और ज्यादा सामान लगेगा, रुको। लूटिंग 5 के लिए मैं क्या डाल के देखूं जो तगड़ा एक्सपेंसिव हो? एक एंडर पर ले लेता हूं, थोड़ा रेडस्टोन के ब्लॉक बना लेता हूं क्योंकि ब्लॉक थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव माने जाते हैं, और थोड़ा आयरन ले लेता हूं, और एक डायमंड और ले लेता हूं। आई थिंक अभी काम हो जाए। पहले डायमंड डाला, नहीं हुआ कुछ भी, रेडस्टोन डालूं, नहीं हुआ कुछ, एंडर पर्ल नहीं हुआ, आयरन नहीं हुआ, मतलब और सामान डलेगा इसमें। रुको देखता हूँ और क्या है मेरे पास। इसमें 444 दिखा रहा है और 644 दिखा रहा है, और चाहिए मुझे कितना? 1500 चाहिए मुझे, मतलब ये तो बहुत सामान जाएगा इसमें। तो मैं ब्लॉक डाल के देखता हूँ, रुको। ये सैप स्टोन मेरे किसी काम का नहीं है, क्रैंग ऑप्सीडियन की जरूरत पड़ सकती है, लकड़ी ले लेता हूँ, ग्लास का ले लेता हूँ एक, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये भी ले लो, ये स्लैब ले लो किसी काम की नहीं है, ये भी ले लो। अभी देखो कितना सामान और चाहिए होगा। ओके हो गया काम, नाइस। अगर मैं डायमंड निकालूं, महंगी महंगी चीजें निकाल लेता हूँ ना, है ना। अरे हो गया, ब्लॉक से भी काम हो गया, नाइस। लूटिंग 5 बहुत बढ़िया, बाकी सामान इसी में पड़े रहने देता हूँ ना। अब रेड करवाता हूँ, रेड से अंडा मिल जाएगा मुझे, इजी हो जाएगा अपना काम थोड़ा। चलो गाइस लूटिंग का काम तो हो गया भाई अपना, बहुत बढ़िया। इस बुक को इधर रख देता हूँ, डिसइंचेंटिंग को। अब ऐसे ही मैं फॉर्चून भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो भी चीज बढ़ानी है ना, मेरे को उसकी एक छोटे लेवल की बुक चाहिए होगी, वरना भर नहीं पाएगी। अरे यार फॉर्चून अगर एक मिल जाए ना, एक बार और ट्राई करूँ किसी उसको, दूसरे लाइब्रेरियन को, कोई एक नल्ला ढूंढता हूँ, ये रहा नल्ला, इसको देखता हूँ अगर ये मेरे को फॉर्चून दे तो। हाँ भाई ले ले जॉब, शर्मा क्यों रहा इतना, किसी और के डब्बे से नहीं लेते ना शायद ये, या ले लेते हैं, ले ली ले ली ले ली। अरे जा रहा कहाँ है भाई, अभी तो बहुत काम है तुमसे। भाग रहा था। अरे यार ये तोड़ूंगा तो इसकी जॉब चली जाएगी, नहीं गई नहीं गई। हाँ ले ली ले ली ले ली। चलो गाइस अब मेरे को फॉर्चून ढूंढना है जल्दी जल्दी फटाफट से, और फॉर्चून ढूंढूंगा तो मेरे को बस एक लेवल का फॉर्चून चाहिए, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा मैक्स लेवल का, मैं उसको कर दूंगा किसी ना किसी तरीके से। सिल्क टच तो मिल रहा है, फ्लेम पंच, फ्लेम फोस्ट वॉकर, फेदर फॉलिंग, लॉयलिटी पंच, एक बार एम्ब्रल्ड का जुगाड़ हो जाए मेरे पास, फिर देखो काम कितना जल्दी हो जाएगा। स्माइट, रिप्टाइल्ड, फेदर फॉलिंग, सस्ताई, क्या था ये सीएस्टा,
लूर, पियर्सिंग, मैंडिंग, मल्टीशॉट। ओके चेतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 सुपर चैट। भाई मेरा नाम चेतन्य युद्ध है, यद्दू यद्दू, ठीक है ठीक है ठीक है, चेतन्य यद्दू। सॉरी भाई मैंने आपका गलत नाम बोला था, मैंने बस मजाक में बोला था। चेतन्य यद्दू भाई थैंक यू सो मच फॉर योर 40। एंड एफओवी गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। भाई गाइस कैन वी हैशटैग एफओवी गेमिंग इन द चैट। फर्स्ट ओवर क्या था इसका, एफओवी का फुल फॉर्म? Field of view, हाँ सही कह रहे हो। ओके OTX थैंक यू सो मच फॉर योर 40। आई लव का होगा बोलो, आई लव क्या होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, जो आपको पसंद हो भाई। थैंक यू सो मच फॉर 1 euro FOV गेमिंग भाई, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। फॉर्च्यून का क्या करूँ, रेड करवाओ ना बोले एक बारी वो कर। अरे हाँ सही कह रहे हो यार, मैं फॉर्च्यून का करूंगा क्या है ना, अगर रेड ही हमारी सक्सेस हो जाएगी, अगर एक मिल गया तो फिर इजीली खरीद लोगे ना, एमराल्ड एमराल्ड है ना, फिर तो ले ही लूंगा मैं। लेकिन फिर भी मेरे को फॉर्च्यून चाहिए एक, क्योंकि पिकेक्स पे भी लगानी है ना। थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए गाइज। अरे दिख जा यार ब्लास्ट प्रोटेक्शन भाई, फॉर्च्यून थोड़ा रेयर है यार, फॉर्च्यून और ये थोड़ी रेयर है लूटिंग है ना। देखो स्माइट 5 तक मिल रहा है, लेक्टन चेंज करने से कुछ होगा? नहीं नहीं लेक्टन चेंज कर, इसमें ये दे रखा ना साइकिल ट्रेड, उसी से लेक्टन चेंज करने से भी साइकिल ही होता है ट्रेड। सनी भाई 10 यूरो दिया है एफओवी गेमिंग ने। अरे भाई गाइस कैन वी हैशटैग एफओवी गेमिंग इन द चैट भाई, 10 यूरो कितना बनता है इंडिया के इसमें, 10 यूरो फिर भी यार ज्यादा ही बनता होगा भाई, 800 रुपए के करीब, 800 रुपए। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई एफओवी गेमिंग भाई, फुल सपोर्ट यार, अब तो गाइस होना चाहिए भाई एफओवी गेमिंग के लिए। गाइस वैसे ही पता है सुपर चैट से भी पॉइंट बढ़ रहे हैं आपके भाई, सही है यार, थैंक यू सो मच सुपर। चलो यार रेड ही करवाते हैं ना, रात हो गई। वैसे मैंने अपना गांव तो पूरा सेव किया हुआ है ना, लेकिन विंडिकेटर और वैक्स से आ सकती है इसके अंदर। चलो करवाते हैं रेड ही करवाते हैं यार, कम से कम सामान भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा ना, बाकी थोड़े पटेटो उबलने के लिए रख देता हूँ, काम आएंगे मेरे, मतलब पकने के लिए। वैसे मेरे पास आयरन गोलम 4-4, 5-5 है, कोई अंदर आया तो उसकी तो खैर नहीं भाई, वो तो बचेगा नहीं, वो तो पिटेगा पूरा। थोड़ा आयरन ले भी लेता हूँ, थैंक यू सो मच भाई एफओवी गेमिंग का हौसला बढ़ाने के लिए चैट में। इनको रिपेयर कर देता हूँ है ना, ये बड़ी हेल्प करेंगे मेरी, जैसे अगर कोई अंदर आता तो। वैसे तो मैंने चारों तरफ फैन से इसको रिकवर कर रखा है पूरे गांव को। 1 euro दिया है, है? वापस से 1 euro दिया है। अरे थैंक यू सो मच भाई फॉर अगेन 1 euro। अरे ये पोस्ट कहाँ पे थी, हाँ वो रही सामने ही है इधर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। चलो भैया अभी लूटिंग है, अभी मेरे को पक्का लग रहा है कि मेरे को मिलेगा अंडा, 100% मिलेगा, लूटिंग 5 है। वैसे इसमें शार्पनेस वगैरह लगा लेनी चाहिए ना, आज रन अपना सक्सेसफुल हो जाएगा। अनंसु क्या बोलता है, शार्पनेस होगी तो मजा आ जाएगा। बस ये एक स्लॉट खुल जाए ना मेरा इधर का भाई, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा अपना रन जो है ना, बिल्कुल एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। शार्पनेस और ये दोनों मिल जाएगा ना फॉर्च्यून। मैं तो नीचे गिर गया। चलो हीलिंग पोशन और रीजनरेशन बनाकर जाना पोर्टल में, हाँ तभी तो यार, तभी तो इसका इंतजार हो रहा है। अब मेरे को इतना तो पता है लूटिंग अपने को मिल गई है ना, अब स्लॉट भी बहुत जल्दी उसके ज्यादा चांस हो जाएंगे ड्रॉप के। स्लॉट एक बार मिल जाए मुझे, देखो स्लॉट लॉक है ना, स्लॉट मिलेगा तो स्लॉट ओपन हो जाएगा मेरा, फिर मैं बना के डाल सकता हूँ। देखो ये देखो सामने खड़ा हुआ है, पिटाई के लिए बिल्कुल तैयार एकदम। चलो भाई निकल लो, काम हो गया।
अबे यार छोड़ दो भाई यार, आर्मर भी थोड़ा तगड़ा करना चाहिए मुझे, है ना? कितना जल्दी पेल देते हैं। भाग लो भाई यहाँ से, सीधा रेड हो गई अब। चलो टोटम भी मिल जाएंगे मेरे को, एटलीस्ट मेरे को टोटम काम आएगी अंदर, शील्ड नहीं तो वो चीज़ तो काम आएगी। गेमिकल मिया बाय बाय एफओवी। अच्छा जा रहे हो क्या? बाय एफओवी भाई, थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा कंट्रीब्यूट करने के लिए चैनल के लिए भाई। थंडर बॉय यू हैव, ओ भाई साहब, ये चैट पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कई बारी। थोड़ा रिकवर करूंगा भाई फिर ऊपर जाऊंगा। क्या गिरा हूं यार, ओके भाई, ये कैसा गड्ढा हो रखा है बीच में, खतरनाक वाला। हाँ भाई, थंडर बॉय को मैं कह रहा था कि उनके 4 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब उन्होंने 20 मिनट तक हमारी ये लाइव स्ट्रीम देख ली है, यानी कि 5 मिनट में 1 पॉइंट मिलता है ना। तो लाइक जरूर करेगा जितने भी लोग देख रहे हैं भाई स्ट्रीम में, लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छुप जाओ सालो, छुप जाओ, पीटने के लिए आ रहे तुम्हें बंदे। ओ भाई यही गाड़ूंगा एक बैनर, ये लो भाई, तैयार हो ना मेरी आर्मी लाल आंखों वाली। वो कल वाला तो मर गया था पाजी विलेजर। हाँ ये आ रहे कहाँ से है देखना भी अभी पड़ेगा, ये ज्यादातर पानी के यहाँ से आते हैं, और अभी तो मुझे वहां से आवाज आई है, उधर से देखो वो रही, कह रहा था ना उधर से आवाज आई है। ओहो भाग, अबे यार इन्होंने फेल दिया भाई। अबे ये आरामी है भाई, ये तो बहुत आरामी है। छुप जाओ बेटा छुप जाओ, मेरा तो हो गया है शुरू पिलना भाई, अब तुम लोग देख लो अपना। यार इतनी जल्दी मार दिया यार इन्होंने, तीन बंदों ने मिलके यार डायमंड आर्मर ऐसा लग रहा है जैसे बेकार सा हो। शील्ड होना यार, मैं तो इनके पीछे खड़ा हो जाऊं। ओके स्लॉट अभी तक नहीं मिला मुझे भाई, आर्मर का भी लेवल अप करना पड़ेगा है ना, मुझे लग रहा है आर्मर का भी लेवल अप करना पड़ेगा, बहुत सारे चीजें निकाल कर गए मुझे। कुछ एक्सपेंसिव चीजें मिले ना, वो देखो यही होगा स्पॉन, ये रे देख लेगा इन्होंने मेरे को। जाओ जाओ जाओ, मैं जादूगर को मारता हूँ। ओ इनने बुक गिराई, नाइस। अरे ये इंचेंटर एम्ब्रल्ड भी गिराता है, लोल। मॉब इंचेंटेड बुक, लेकिन यार ये सही वाली बुक नहीं गिराई उनने, बढ़िया वाली नहीं गिराई। मतलब मैं इंचेंटर से भी कर सकता हूँ यार, एम्ब्रल्ड फार्मिंग है ना, एक अंडा पड़ा है मेरे पास इंचेंटर का भाई। चलो इनको मारते हैं पहले पीछे से जाके। ये तो बुक भी देगा फिर। हाँ अगर कोई बढ़िया सी बुक मिल गई तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा मेरे लिए। विंडिकेटर आया, विंडिकेटर आया, दो दो हैं। ओबे नहीं भाग, ओहो भाई पिला, बच गया बच गया बच गया, भागो भागो भागो, तीर नहीं लगना चाहिए भाई। चढ़ गया ऊपर तो चढ़ गया मैं, क्रॉसबो वाला काम खराब कर रहा है यार ये बंदा, काम आ रहा है पीछे तो देख अपने। कहाँ गया विंडिकेटर? ओके ये इधर ही फंस जा रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज तो यही है, आ जा भाई। इनको मेरे को लगता है इनके पास ज्यादा हेल्थ है। ओके अंडा ड्रॉप नहीं गिराया, लेकिन एम्ब्रल काफी सारे गिरा रहा है ये, नाइस 10 एम्ब्रल हो गए। अब कहाँ से आ रहे हैं? इधर ही कहीं से आ रहे हैं यार। भोंपू की आवाज नहीं आई इस बार,
अच्छा वो आ रहे, ओ हो, इस बार तो जादूगर भी लेके आए हैं साथ में, दो दो जादूगरनी है। पहले जादूगरनियों को निपटा देता हूँ पीछे से। ओहो रेवेजर भी है, ठीक है भाई। ओहो भाई हीलिंग का पोशन मिल गया, नाइस। आजा बेटा आजा आजा इधर आजा। मार दिया साले एम्बोटर। यार शार्पनेस होती तो कितना बढ़िया रहता ना मेरी तलवार में, बहुत जल्दी मरते। ओहो इसको कैसे मारूंगा अब, सांड को पानी में ले जाके मारता हूँ इसको, ये पानी में जल्दी मरता है। आजा बेटा तेरा तो इलाज यहाँ होएगा पानी में, अब तो तेरे ऊपर कोई क्रॉसबो वाला भी नहीं बैठा। ये अब भाई ने पानी में भी मार दिया मुझे, मत मार भाई। इसका इसका बहुत दूर तक रेंज है इसका, है ना। रुक खाना खाने दे बे, इसका रेंज थोड़ा ज्यादा दूर तक है। अबे कब मरेगा। अच्छा 50 की हेल्थ होती है इसकी। ओ यार मैं एक हार्ट पे बचाऊं, मरने वाला है ये, बहुत कम हेल्थ बची है इसकी। मर गया, शैडल गिराया इसने। चलो भाई दो तीन बंदे बचे हैं उनको मैं निपटा देता हूँ। एटलीस्ट विक्ट्री में मेरे को थोड़ा सामान भी सस्ता करेंगे विलेजर, है ना, ये भी सही रहेगा फिर। अबे यार ये तलवार से मार ही देते हैं, अबे कैसे मार पा रहे हैं वो मेरे को भाई। ओ भाई तीर मेरे बिल्कुल राइट साइड से निकला, लोल कहाँ गया वो रे। एक दूसरे को मारो ना भाई, मार ही दिया इसने मेरे को। भाई थोड़ा रिकवर करके जाऊंगा, वो मार देता है कुल्हाड़ी कैसे ना कैसे करके ना पीछे से। ये रहा, आजा अंडा गिरा दो। यार क्यों नहीं गिरा रहे अंडा भाई, इतना रेयर क्यों ड्रॉप कर रहे यार ये अंडा, लूटिंग 5 है फिर भी। अब किधर से आ रहे हैं, ऊपर चढ़ के देखता हूँ। ओ भाई एक दो तीन जादूगरनी प्लस इंचेंटर, मैं जा रहा हूँ भाई दूसरी साइड, इस बार बहुत पिलने वाला हूँ मैं। स्पीड देखो इस जादूगर के बेटा, भाग ले कहाँ तक भागेगा। आधे हार्ट पे बचा है, बहन को पेल दो पहले फटाफट, रात भी हो गई है अब मॉब्स भी आने शुरू होएंगे। मेरे को लग रहा है मेरे को एक्स से मारना चाहिए इनको। ओ भाई कर दिया काम इन्होंने, लेफ्ट राइट भागने से थोड़ा ज्यादा बच जाता हूँ मैं। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। अबे यार इतनी दूर से भी क्या निशाना मार रहे हैं। यार जल्दी रेड खत्म हो जाए। साला आ गया विंडिकेटर। वैसे अगर जादूगरनी का भी मेरे को मिल जाए ना एग, तो अपने को पोशन का जुगाड़ हो जाएगा बढ़िया वाला। अरे रुक क्यों गया था ये भाई, मरा। अंडा नहीं मिल रहा यार, एक तो किसी का भी नहीं मिल रहा, किसी का भी नहीं मिला यार अंडा, है ना। क्या लूटिंग मिल रहा है, इतने सही नहीं है लूटिंग मेरे को लग रहा है, ये वाली खराब लूटिंग है, एक्सपायर हो गई इसकी डेट।
स्लॉट भी तो नहीं मिला अभी तक। हाँ और स्लॉट भी नहीं मिला अभी तक, इतना ज्यादा रेयर है क्या? दिक्कत हो जाएगी तो यार, स्लॉट लोट नहीं गिरा रहे तो। ये और मेरे को पोशन दे जा रही है स्लोनेस स्लोनेस का। ओके इनने गिराया एक और हीलिंग पोशन, चलो कुछ तो फायदा हो रहा है मेरे को। कहाँ से आएंगे अब ये? मुझे सो जाना चाहिए यार। कम से कम मॉब्स तो नहीं मारेंगे मुझे यार, ये बहुत दिक्कत है यार। पोशन निकाल के रख देता हूँ पहले। ओ भाई ये ऊपर चढ़ गया। आजा भाई आयरन गोलम, दिखा दे अपनी पावर। शाबाश, यही तो चीज चाहिए मुझे। हाँ चलो इसको पूरा रिपेयर कर दिया मैंने। पहले वहां से जादूगरनियों को मारता हूँ, एक एक करके मारूंगा सबको। तीन तीन विंडिकेटर एक साथ आ जाओ बेटा। अबे ये किसने मारा? अब साइड में से मारा किसी ने। ओ अंडा गिराया, नाइस। हाँ विंडिकेटर का अंडा मिल गया। अबे यार हट ना यहाँ से, मर जाओ। बाहर जाके मारना पड़ेगा इनको। अंडा उठा लेता हूँ भाई, कभी इधर उधर निकल जाए। पहले इस जादूगर को मारना पड़ेगा यार, ये उसको पावर दे रहा है मॉब को। साले मर जाना, कहाँ जा रहा है? ओ इसका भी अंडा मिल गया। नहीं 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 इसका नहीं मिला यार। अबे किसने मारा? पिलेजर ने मारा मुझे, पिलेजर ने। चलो अंडा तो मिला एटलीस्ट। चलो भाई हमारी रेड सफल हो गई है ना। एमरल्ड की दिक्कत नहीं अब तो भाई, एमरल्ड की तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी अब। यो बॉयज अब लूटिंग वैसी है अपने पास। ये पादरी को मारो। अरे यार पहले अपनी ग्रेव लूटनी पड़ेगी। पादरी नहीं था वो, मैजिशियन था वो। भाई एक आयरन गोला मार दिया इन्होंने मेरा बाहर से। ओके थ्रोन है मेरे पास, ले लेता हूँ। ठीक है एक मैजिक बुक भी मिल गई मुझे थ्रोन की, तो मतलब थ्रोन से थोड़ा बहुत तो होगा इनको डैमेज। जितनी बचेंगे उतना तो लाइक दोगे। मेरे को लूट, मेरे को टूल लेवलिंग करनी पड़ेगी अपने पूरे आर्मर के ना। आर्मर मेरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल घटिया, एकदम आयरन लेवल का लग रहा है आयरन, क्योंकि बहुत जल्दी डैमेज दे रहे हैं मुझे। या मुझे लग रहा है इनके क्रॉसबो में ना कुछ ज़्यादा पावर है भाई। देख रहे हो आधा कर दिया आर्मर पूरा इन्होंने डायमंड का, कुछ इज्जत ही नहीं है डायमंड के आर्मर की भाई। लाइक करो भाई अभी तो, लाइक करो यार। लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? लाइक तो रुक गए एक जगह पे यार। जितनी वाचिंग है उतनी तो लाइक करो गाइस। हाँ भाई लाइक मत रोको। विंडिकेटर स्पॉन एग, नाइस। बस आप क्या चाहिए जिंदगी में, एम्ब्रल्ड ही एम्ब्रल्ड भाई। अब तो कहाँ पे बचे हुए हैं? दो तीन और बचे हुए हैं। स्लॉट बड़ा रेयर है भाई। कड़क कड़क शायद बड़ी चीज को मारने से मिलेगा स्लॉट, मुझे लग रहा है। बॉस मॉब से मिलेगा मेरे को लग रहा है। ये गाइस सही गाइस, और करो 50 हो गए बोले तो सुनी भाई, और बोलो और करो भाई। 800 नहीं हुए अभी तक, जल्दी जल्दी गाइस फिर वॉल्ट खोलेंगे। यार खाना भी खत्म हो गया, आलू खाने पड़ेंगे लग रहा है अब। चलो आलू खा लेंगे, अंडा रख देता हूँ भाई कीमती चीज।
चलो बाहर चलता हूँ। इधर ही कहीं है वो, आवाज आ भी रही है मुझे उनकी। अबे तेरी गायब हो रखा है, गायब हो रखा है। रुको मेरे को एक बार ही सेव करके बाहर जाना पड़ेगा। गायब हो रखा है वो, ग्लिच हो रखा है, मतलब वो ग्लिच सही करना पड़ेगा मुझे। डाल दे मेरे, मैं भी खा लूंगा। खाना खा लेंगे भाई हम भी, लाइव स्ट्रीम तो पता नहीं कितना चले। शार्पनेस लगाओ, वन हिट में मारेगा। चलो शार्पनेस को करते हैं ना। एक चीज तो कर ही लेता हूँ यार मैं अभी, शार्पनेस वगैरह तो कर ही लेता हूँ इसको हटा करके ना, मतलब इसको रेड को खत्म करके शार्पनेस वगैरह तो लगा ही लेता हूँ, क्योंकि कम से कम मेरा डैमेज तो बढ़े तलवारों का भाई। फिर वोल्ट में चलेंगे। अब लग रहा है मेरे को वोल्ट हो जाएगा इस बार, हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा वाला आर्मर अपग्रेड कर लो, शार्पनेस लगा लो, हाँ वोल्ट हो जाएगा। टोटम नहीं मिले भाई। देयर वाज अ प्रॉब्लम प्रोसेसिंग योर परचेसिंग, ट्राइंग टू अगेन। अच्छा मॉब किलर है इसमें। शाउट आउट पॉजू शिवम सिंह भाई, शाउट आउट टू यू। मॉब किलर है इसमें, लेकिन मॉब किलर बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगेगा, क्रिस्टल वगैरह लगेंगे जो वॉल्ट में से ही मिलेंगे। इस बार वॉल्ट में से सामान निकाल के लाएंगे यार, अच्छा खासा है ना। पिछली बार तो यार पिटाई हो रही थी बहुत ज्यादा, क्या कर सकते थे भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे यार। बो बना लो, बो बना लूं। इन्फिनिटी भी मिल रहा है वैसे, बना लेनी चाहिए मेरे को बो, है ना। शायद पड़ा भी है मेरे पास इन्फिनिटी। बो है तो सही आपके पास, मतलब एक अच्छी तरीके से रेडी कर लेते हैं जो इंचेंटमेंट वगैरह लगा लोगों के। 60 मेंबर हो गए अपने, 60 मेंबर्स, लेट्स गो बॉयज। दिखा? अरे वो तो अभी भी नहीं दिख रहा यार, कैसे अच्छा दिख गया, दिख गया, दिख गया। अरे यार ये इतनी सारी वैक स्पॉन कर दी इसने, अब कैसे करूंगा मैं इनको। रुको मेरे पास थ्रोन्स की पावर है तो ये तो वैसे ही मर जाएंगी मेरे से टच हो के। अच्छा निकल गई ना मेरी थ्रोन्स की पावर, मैं मर गया था। वापस लगा लेते हैं, ठीक है भाई चलो। ये भी लगा लो भाई, जो भी था चलो आ जाओ भाई। अब स्पीड देखो उसकी क्या तगड़ी जा रही है, दो दो है, तीन तीन है। बहुत बुरी पिटाई हो रही है भाई। वो वहीं क्यों घूम रहे इतने ज्यादा यार। एक इसका भी टोटम मिल जाए तो यार, एक इसका अंडा भी मिल जाए तो मजा आ जाए। और अरे भैया एक हर्ट पे छोड़ दिया इन्हें मेरे को। अरे वैक्स मारेंगे मुझे तो लग रहा है। चलो भाई आलूओं ने जान बचा ली, थोड़ा सा हील करके जाऊंगा यार उधर। उनको डैमेज तो दे दिया है मैंने थोड़ा, बट हील करके जाऊंगा। अरे गोल्डन कैरेट ज्यादा जल्दी हील करती है, मैंने नोटिस किए वाली चीज। ओ भाई मार दिया यार उसने मेरे को। भैया विंडिकेटर ना बहुत डैमेज देते हैं यार, पावरफुल। 4x4 गेमिंग मर गया। मत साले, हो गई क्या रेड टैकल? मैं टोटम ऑफ अंडाइंग रख के आता हूं। अरे रेड विक्ट्री हो गई, नाइस। पटाखे फूट रहे गाइस, हमारे विलेजर्स पटाखे फोड़ रहे हैं, नल्ले विलेजर्स पटाखे फोड़ रहे हैं। चलो भाई टोटम को पहले रख देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज। दो टोटम हो गई मेरे पास, एक ये रही पिछली रेड की, इसको भी इसमें रखो। चलो यार अपने को फिलहाल अंडा मिल गया है, अब तैयारी करते हैं बढ़िया चीज की। फिलहाल स्लॉट नहीं मिला यार, बहुत दुख हो रहा है।
स्लॉट और मिल जाता ना सही रहता। मेरे को ना अपना आर्मर अच्छा करना चाहिए सबसे पहले, तो ये बैनर लगा देता हूँ यार यहाँ पे, प्रोटेक्शन डालो आर्मर में है ना, ये सब चीज बढ़िया कर लेता हूँ मैं। भाई सस्ता करा कुछ सामान, अरे सही सस्ता कर दिया यार, आधे में दे रहे हैं, फिर तो ये भी सस्ता देगा मुझे हमारा ना। ओ ये भी सस्ता दे रहा है भाई, सिर्फ 7 बुक में दे रहा है, एम्ब्रल तो खत्म ही कर दिए इनने। चलो पहले एक बार देख लेता हूँ कौन सी बुक से मेरे को सबसे ज्यादा मिलेगा। अरे इनने अपना वो हटा दिया यार, जैसे मैंने इसको चेंज किया, लूटिंग भी मिल रहा है अब। भाई मेरे को आर्मर के लिए क्या चाहिए होता है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन एंड अनब्रेकिंग। चलो इनके तो मैं प्रोटेक्शन डाल लेता हूँ, बाकी मैं फायर प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन इसको इनको लेवल अप कैसे करूँगा, मेरे पास ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है, लाने पड़ेंगे ब्लॉक्स लग रहा है मुझे फिलहाल, इसी से करके देखते हैं। प्रोटेक्शन 3 हो गया, वैसे मैं किसी भी चीज से डाल सकता हूँ, कुछ भी चीज डाल सकता हूँ क्या, मैं सारे एक्स से डाल सकता हूँ उसके अंदर, चेक करता हूँ ना, क्योंकि कबाड़ा वबाड़ा सब डल जाता है इसमें। नहीं यार ये चीज नहीं डाल रही है, मुझे लगा था डल जाएंगी, फिर इनको रखने का फायदा क्या है, इनको फेंको। मैं ब्लॉक्स निकाल के लाता हूँ ना, इसमें अपने पास वो तो है ही, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्सवेट तो है ही, तो ब्लॉक निकाल के वो लगा देता हूँ। ये देखो माल, देखो कैसे टूट रहा है इतना सारा फुल, वो पूरी इन्वेंटरी भर लेता हूँ ब्लॉक्स की, फिर मैंडिंग भी खरीद लूंगा मैं जितनी मिलेगी मुझे। ओ भाई लाइक कर दो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, तगड़ी तगड़ी चीजें शुरू होने वाली है बस। वैसे इसमें मैं ना बहुत तगड़े लेवल तक भी लेके जा सकता हूँ टूल्स को अपने रिफोर्ज करके, लेकिन उसके लिए फिर उतना ही सामान चाहिए होगा, नेदर राइट वगैरह चाहिए होती है अपग्रेड करने के लिए। फिर चलो पूरा इन्वेंटरी भरने वाला है मेरा, बस इतना तो हो जाएगी यार, मैं थोड़ा ना प्रोटेक्ट हो जाऊं। ओके लाइट गई मेरे यहाँ की, शिट, अरे यार ये दिन में भी ऐसे हो रहा था मेरे यहाँ पे, जा रही थी आ रही थी। अरे मैंने आर्मर भी नहीं पहना, मर जाऊंगा मैं। आ गई फिर चली गई यार, स्क्रीन बार बार स्विच हो रही है, मर जाऊंगा, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा घर में। यार ऐसे टाइम पे लाइट क्यों गई। तो फेस कैम को गाइस थोड़ा इग्नोर करना, लाइट नहीं है भाई, ठीक है आ जाएगी अभी, आ रही जा रही है बार बार ऐसा हो रहा है मतलब।
वो सिर्फ 6 बुक में दे रहा है लूटिंग, मुझे इससे ना बुक शेल्फ ले लेने चाहिए है ना थोड़े, क्योंकि मैं बना तो पाऊंगा नहीं बुक शेल्फ अभी, तो मैं थोड़े बुक शेल्फ ले लेता हूँ। इंचेंटिंग टेबल बना सकते हो ना? अरे यार पूरा स्क्रीन खराब हो गई मेरी, तो सही कर लेता हूँ स्क्रीन पहले थोड़ी। अरे यार गेम क्रैश हो गई, शिट गेम वापस चलानी पड़ेगी गाइस, गेम रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। कर लूं, गेम क्रैश हो गई, वो बार बार स्क्रीन स्विच होते हैं ना डबल स्क्रीन से, तो माइनक्राफ्ट क्रैश हो जाता है अपने आप ही। माइनक्राफ्ट में ये दिक्कत और किसी में नहीं है। चलो गाइस गेम स्टार्ट हो रही है मेरी, तब तक हम थोड़ा सा खाने वाने का बाइट ले लेते हैं और चैट वैट देख लेते हैं। भाई आप लोग अपने पॉइंट वगैरह चेक कर लो तब तक। और आप लोगों को लगता है भाई मैं छुपा के खा रहा हूँ, मेरा ये मॉनिटर है ना, ये मॉनिटर बीच में आ जाता है और मेरी टेबल थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो ऐसे तो खाऊंगा नहीं मैं, ऐसे करके तो खाऊंगा। अभिनव कुमार भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। गाइस कैन वी हैशटैग अभिनव कुमार इन द चैट। गेम हमारा ऑन हो रहा है, रेड कलर का आपको मेरा फेस दिख रहा होगा क्योंकि वो रेड कलर की स्क्रीन हो जाती है स्टार्ट होने से पहले। हेलो साहिल, टीम ZHR कैसे हो भाई? हेलो शिवम, शिवसम, हाउ टू चेक पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख दो, एस जरूर लगाना एंड में, पॉइंट्स तभी दिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप अहमद भाई। एंड वेलकम टू द 4x4 आर्मी अहमद भाई, कैसे हो? खाना खा लो भाई। चलो गेम ऑन हो रहा है, मेरा कल एग्जाम है रितु भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए ब्रो, आई होप कि बढ़िया परफॉर्म करके आओ भाई, नाम रोशन करो भाई। आईएएस वाईएएस बनो भाई। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आजकल आईएसओ पे यार बहुत जोक बनते हैं, पता नहीं क्यों बनते हैं, शायद बहुत मुश्किल है आईएस बनना। अरे अहमद भाई थैंक यू सो मच फॉर अपग्रेडिंग यार मेंबरशिप के लिए। भाई प्रोटेक्शन का ज्यादा बोल रहे हैं लोग, प्रोटेक्शन डालो फायर से, उससे सबसे बेस्ट काम करेगा। ठीक है, तो फायर की मेरे को फिर रिमूव करनी पड़ेगी है ना? फायर डलेगा तो प्रोटेक्शन नहीं डलेगा क्या उसके साथ? नहीं, एक चीज डल सकते हैं, या तो फायर प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन या ब्लास्ट प्रोटेक्शन। हाँ फिर प्रोटेक्शन बढ़िया बता रहे, मतलब प्रोटेक्शन एक दोनों का काम करेगा, तीनों प्रोटेक्शन एक डाल सकते हैं कोई सी भी, तो प्रोटेक्शन ही डालता हूँ फिर है ना।
यू आर प्रो ब्रो. अरे थैंक यू सो मच भाई रिकी. वो वोल्ट में काम आएगी कैसे? लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तलवार आएगी वहां पे काम. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सब बहुत क्लोज होते हैं ना. प्रोटेक्शन ओपी. अरे अहमद भाई थैंक यू सो मच फॉर 2 यूरो. आई एम योर लिटिल फ्रेंड. अरे भाई कहां लिटिल, अब तो बड़े बड़े फैन हो गए. थैंक यू सो मच भाई अहमद. गाइस कैन बी हैशटैग अहमद इन द चैट. कहां से हो अहमद तुम? यूरो का ऑप्शन इंडिया से नहीं आता ना अंशु? वही तो इंडिया से नहीं आता, ये शायद आउट ऑफ कंट्री से है ना. सनी भैया डिस्कॉर्ड पे फ्रेंड लिस्ट में ले लो ठीक है. डेविल शूटर भाई मुजम्मिल को अपना नाम डीएम करना ठीक है, वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं. मिस्टर राजन गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप. थैंक यू सो मच भाई राजन, आपका भी स्वागत है हमारी 4x4 आर्मी में. वेलकम टू लव ट्रस्ट. वीपीएन यूज, वीपीएन से हो जाता है क्या? लेकिन वीपीएन यूज करने की जरूरत क्या है भाई, है ना? क्या पता वो हो बाहर से. बच गया बच गया बच गया. ओके हो गया मेरा गेम ठीक. प्रोटेक्शन है मतलब प्रोटेक्शन मेरे को लेना चाहिए है ना. माइक ठीक कर लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लूँ मैं. अरे इलेक्ट्रो गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप भाई. गाइस कैन वी हैशटैग इलेक्ट्रो गेमिंग एंड मिस्टर राजन गेमिंग इन द चैट. लेट्स गो बॉयज. और लाइक जरूर करो यार. अपग्रेड करिए इलेक्ट्रो ने. Okay guys, I am back, भाई. हम आ गए वापस. Hashtag विनोद. अरे वो पुराना हो गया भाई ऋतुराज, वो पुराना हो गया. चलो यार थोड़े से अपने को बुकशेल्फ खरीदने. ये रहा हमारा बुकशेल्फ वाला बंदा जो कि लूटिंग. अभी लूटिंग की तो जरूरत है नहीं अपने को, तो जब तक मेरा हीरो ऑफ द विलेज है जब तक मैं देख लेता हूँ कोई बढ़िया इंचेंटमेंट मेरे को मिल जाए तो, क्योंकि फिर मैं उस इंचेंटमेंट को अपग्रेड कर लूँगा. एक तो प्रोटेक्शन लूँगा मैं इससे पहले तो. अच्छा प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन क्या था? रिड्यूस डैमेज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल सच एस आर एरोज एंड फायर बोल्स. नहीं प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन नहीं, मेरे को प्रोटेक्शन लेना है. चलो ओए भाई साहब लेकिन बहुत महंगा है बे. रुको देखता हूँ ये थोड़ी देर छोड़ के देखता हूँ इसको. ओ 33 बुक्स के बदले दे रहा है. तनी भाई 2 यूरो के ये अहमद महीम. थैंक यू सो मच अहमद भाई. अहमद महीम थैंक यू सो मच फॉर अगेन 2 यूरो. आई एम बोर्न इन इटली बट माय फादर इज बांग्लादेशी. अरे हमारा दोस्त भी एक बांग्लादेश से यार तामजीद, आजकल वो टूर पे गया हुआ है. जब आएगा ना तब मिलवाएंगे आपको पक्का से, हमारे पूरी गैंगस्टर टीम से मिलवाएंगे आपको. अभी तो हंस और अलादीन ही बैठे हैं. तुरगुत पता नहीं कहाँ पे आ जाता है वैसे इस टाइम तक, लेकिन आया नहीं यार. ये प्रोटेक्शन मिल रहा है लेकिन 33 बुक्स के बदले दे रहा है ये, तो बुक्स का कैसे जुगाड़ करा जाए भाई? एक तरीके से बुक्स का जुगाड़ हो सकता है वैसे. मैं शेल्फ इंचेंटमेंट टेबल काम करेगी. हाँ नॉर्मली मिल जाए क्या पता उसी में प्रोटेक्शन, तो वहां से ले लो. लेकिन फिर लेवल चाहिए होंगे ना? लेवल नहीं है मेरे पास अभी, फिर वो एक्सपी फार्म बनाना ही पड़ेगा. चलो फिर मैं देख रहा हूँ रैंडम, अगर मेरे को सस्ता में प्रोटेक्शन मिल जाए तो जैसे 1 या 2. और यार शार्प प्लेस ले लेना चाहिए था यार. जितनी भी महंगी वाली चीजें है ना
वो ये महंगी ही दे रहा है। हाँ? देखता हूँ डेप स्ट्राइडर। अरे दे दे भाई प्रोटेक्शन, सस्ती वाली दे दे भाई प्रोटेक्शन, महंगी नहीं चाहिए मुझे। फ्रॉस्ट वॉक, लूर, पावर, एक्वा इन्फिनिटी, इम्पेलिंग, लूटिंग, कार्स, शार्पनेस, फेदर फॉलिंग, कार्स ऑफ, नॉक बैक टू। ये भी महंगी दे रहा है यार, ये बुक्स के बदले ही दे रहा है ज़्यादातर चीज़ें। फेदर फॉलिंग फोर, एफिशिएंसी, मेंडिंग तो चलो दे रहा है। ओके देखता हूँ ये एक बुक में मेंडिंग दे पाएगा, लेट मी चेक, क्योंकि मेरे पास हीरो ऑफ द विलेज है तो ये एम्बरल्ड के बदले चीज़ें नहीं देगा मुझे। अरे नो बुक में दे रहा है, नो बुक का जुगाड़ तो हो सकता है शायद। पाँच और एक छः। अहमद भाई थैंक यू सो मच फॉर अगेन भाई अपग्रेडिंग मेंबरशिप, थैंक यू सो मच भाई अहमद। अरे यार पूरा सपोर्ट है यार अहमद की तरफ से, थैंक यू भाई अहमद भाई इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए भाई, लव यू ब्रो। यार बुक्स का जुगाड़ नहीं हो पाएगा यार, 17 लेदर तो है लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है तो यार नहीं हो पाएगा यार, ये मेंडिंग भी नहीं हो पाएगी। शार्पनेस तो ले लो, वही अब मैं शार्पनेस वन देख रहा हूँ, सस्ते में दे रहा था ये वन, अगर इस बार वन मिलती है तो ले लूंगा पक्का। प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन, एफिशिएंसी, फायर, रिप्टाइल्ड, थॉर्न्स, रेस्पिरेशन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर एस्पेक्ट, फेदर फॉलिंग, पंच, चैनलिंग, मेंडिंग, अनब्रेकिंग, पावर, पियर्सिंग, कर्स, मेंडिंग, पावर 5, एफिशिएंसी 2। अरे मिल रहा यार, स्वीपिंग एज, मेंडिंग, फ्लेम, लक ऑफ सी, थॉर्न्स। ये थॉर्न्स भी अच्छा है, अगर ये थॉर्न्स सस्ता दे तो देखता हूँ। 11 बुक्स के बदले दे रहा है, नहीं हो पाएगा यार। मेरे को लग रहा है मैं इसको इससे ना बुक शेल्फ ले लेने चाहिए, और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, बुक शेल्फ ले करके इससे और इन बुक शेल्फ को ना तोड़ लूँगा तो इनसे मेरे को बुक मिल जाएंगी। अब मैं इनको फॉर्चून से तोड़ता हूँ। कहाँ गया फॉर्चून भाई, फॉर्चून तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो भूल ही गया लोल। अब मैं इसकी वो भी नहीं बदल सकता भाई, शेट गड़बड़ कर दी मैंने। ये क्या क्या दे रहा था, नया विलेजर ही पकड़ना पड़ेगा। शेट यार नल्ला विलेजर कहाँ है, है ही नहीं नल्ला विलेजर भी, विलेजर भी नया लाना पड़ेगा मेरे को अब। चलो यार एम्बरल्ड का जो कम से कम एम्बरल्ड की बारिश तो है मेरे ऊपर। चलो यार अभी अंगूर खट्टे हैं भाई अभी खा नहीं सकते अंगूरों को, तो मैं बना लेता हूँ अपना बढ़िया से ब्लॉक ले लेता हूँ जिसमें मैं बनाऊँगा फार्म। कोबल स्टोन से ही बनाऊँगा और स्टोन से बढ़िया रहेगा। सुबह बनाता हूँ यार, रात को नहीं बनाऊँगा, रात को दिक्कत हो जाती है। एक चम्मच ला दे अंशु, एक चम्मच। दिस इज एम्ब्रल्ड नॉट ए बुक। नहीं नहीं वो बुक के बदले दे रहा है, एम्ब्रल्ड के बदले नहीं दे रहा है। देखो जब वो होता है ना तो वो उसके बदले दे रहा होता है। दिस इज एम्ब्रल्ड नॉट बुक। अच्छा हाँ हो सकता है। ओ इनने मेरे को खाने के लिए सामान दिया, अरे थैंक यू चाचा यार, थोड़ा और दे दो यार, क्या घटिया चाचा हो यार तुम, मेरा विलेजर खत्म हो जाएगा जब ये जब दोगे क्या। दे दे यार, गिरा देना जो भी सामान है तेरे पास चलो दिन हो गया अब बनाते हैं। अरे मेरी पिकेक्स पूरी कैसे बन गई है,
अबे इसका मतलब मैंने जो भी पत्थर पत्थर तोड़े थे सब बेकार हो गए वो। मेरी पिकेक्स पूरी रिकवर हो गई भाई। हाओ शायद वो उसकी वजह से हुई है ना, जो वहां पे गड़बड़ हुई है एक। यहाँ पे तो मैं विलेजर फार्म बनाने वाला हूँ, तो मेरे को इसके नीचे ही बनाना चाहिए क्या? मैं इसके नीचे ही बनाता हूँ, यहीं बनाता हूँ मैं अपना ट्रेडिंग फार्म। भाई इस पे इतनी तगड़ी एफिशिएंसी, अबे एफिशिएंसी 4 है इस पे। ये क्या तगड़े स्पीड में तोड़ रहा है भाई चीज़ों को, मेरी पिकेक्स। ओके रुको, मैंने गलती से, आप सही है। ये तो बड़े स्पीड में तोड़ रही है भाई पिकेक्स। भाई ये पिकेक्स क्या हो गई भाई जी सही तो है ये। अबे देख क्या तोड़ रही है यार। करते ही जा रहे दो तीन हाँ बार। भाई ये देखो क्या तोड़ रही है ये। क्या लग गया भाई मेरे पे ऐसा इंचेंटर, कुछ तो ग्लिच हुआ है मुझे लग रहा है ऐसा। बहुत ज्यादा इसकी मक्खन की तरह तोड़ रही है ये तो भाई बिल्कुल। मेरे एफिशिएंसी की वजह से को यहाँ पे लैडर लगाने हैं, लैडर लेके आता हूँ। और कुछ तरीका है चढ़ने का? लैडर ही सही है वैसे। पानी की बकेट डाल दो ना। पानी की बकेट भी सही बोल रहे हो वैसे, है ना लैडर। लेकिन लैडर बनाने का सामान पड़ा है मेरे पास, काफी सारी स्टिक है मेरे पास, तो लैडर इजी पीजी हो जाएगा अपने लिए। पर लैडर बनता कैसे था? एक सेकेंड। स्टिक से बनेगा। ओ बीच में एक फट्टा रखना पड़ेगा, लकड़ी का फट्टा रखना पड़ेगा एक बीच में। ओ भाई कितने ज्यादा लैडर बना लिए यार, जोश जोश में यार, गलती से कुछ ज्यादा ही लैडर बन गए। मेरे को पानी की बकेट भी चाहिए एक। बकेट मेरी कहाँ रख दी थी मैंने? ये रहा, लावा को निकाल दूंगा, पानी भर लूंगा। अबे यहां से पानी गिर नहीं रहा, देख स्लैब्स पे पानी बढ़िया लगता है। ऊपर से मेरे को एक फ्लोर और गंजा करना है इसका। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पानी घेरता हूँ तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा रहा है। मेरे को यही वाले स्टोन यूज करने चाहिए। ये पिकेक्स गाइस ज्यादा बीस्ट हो गई है, मुझे लगता है मेरे को इसको कम करना चाहिए।
इसमें एफिशिएंसी और सिल्क टच है यार, इसका एफिशिएंसी इतना बढ़ कैसे सकता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चलो गाइस, हमारा फार्म बन के रेडी है और यहाँ पे हम AFK करेंगे, और AFK के लिए यहाँ पे मेरे को एक स्लैब भी लगानी पड़ेगी, या मैं ये ब्लॉक भी लगा सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अभी डालते हैं इसमें ये, और यहाँ डालते हैं पानी। ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर मैं मार सकता हूँ। एक बकेट और डालना पड़ेगा मेरे को पानी, फिर काम हो जाएगा। और क्या पता मुझे इस एक अंडे की वजह से बहुत सारे अंडे मिल जाए, भाई कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना, मल्टीपल भी तो होते हैं। स्पॉनर की नहीं बनती थी इसमें? बनती है स्पॉनर की, तो वो बना के पड़ा भाई एक दो स्पॉनर। सही कह रहे हो वैसे तुम, मेरे को एक स्पॉनर से ना स्पॉनर की बना लेनी चाहिए है ना, उससे और भी ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी स्पॉनर्स की। की बनाता हूँ, की ये रही स्पॉनर की, दो डायमंड लग रहे हैं, बना लेता हूँ। वैसे डायमंड की बहुत कमी है, लेकिन बना लेता हूँ, अपना वर्थ इट हो जाएंगे है ना। और बताओ गाइस क्या बना सकता हूँ, बहुत तबीयत से चीजें बनाऊंगा। और गाइस जल्दी से लाइक करो यार, लेट्स गो। एंड जीके गेमिंग भाई थैंक यू सो मच फॉर योर 20, एंड इलेक्ट्रो गेमिंग भाई थैंक यू सो मच फॉर योर 20। सॉरी मैंने आपको सुपर चैट मिस कर दिया, बट अभी पढ़ लिया भाई डेफिनेटली। चलो यहाँ पे मैं एक बकेट वाटर का और डालता हूँ ऐसे, अगर ये डालता हूँ तो आएगा। आ रहा है भाई, आ रहा है, नाइस, आ गया आ गया। मेरे को स्लैब लानी चाहिए यार, एक स्लैब से थोड़ा सही हो जाएगा काम। फिर लेट्स गो टू द स्लैब्स, ये रही स्लैब्स। और वैसे मेरे को ऑटोमेटिक फार्मिंग भी बना लेनी चाहिए। स्पाइक, मैं स्पाइक बना सकता हूँ, बैम्बू स्पाइक। अरे नहीं यार, कोई तगड़े से स्पाइक देखता हूँ, नहीं बन रहा यार। मॉब ग्राइंडर बना के देखूँ यार, मॉब ग्राइंडर अभी बन नहीं सकता है। ग्राइंडर मॉब, ये देखो यार मॉब ग्राइंडर बन रहे हैं, लेकिन इनका इनका रेसिपी देखो तुम कितना खतरनाक है। ब्लैक प्लेट, अरे बन जाएंगे भाई। डैमेज ट्रैप, प्लेयर डैमेज ट्रैप, टॉक्सिक ट्रैप, स्लो ट्रैप, विदरिंग फ्लेम, फ्लोटिंग ट्रैप, अलर्ट ट्रैप। ओ भाई बन जाएगा ये तो भाई, लोल वो वैक। ओ भाई बन गया, काम हो गया। अरे यार फास्ट वेक्टर, वेक्टर प्लेट। अबे ये स्लाइम बॉल कहाँ से लाऊं यार, क्या मैं स्लाइम बॉल बना सकता हूँ? ओ भाई स्लाइम बॉल बना सकते हैं हम इसमें। अबे यार शिट, लेकिन उसके लिए ये मिल स्टोन बनाना पड़ेगा यार, और किसी तरीके से नहीं बन सकता क्या आटा? मिल स्टोन बनाने के लिए ब्लैक ओपल चाहिए। क्या मैं ब्लैक ओपल, थोड़ी सी आवाज कम रखियो, ब्लैक ओपल पड़ा है क्या मेरे पास? नहीं यार ब्लैक ओपल नहीं है। अरे यार गाइस कैन वी हैशटैग शिवम चौहान इन द चैट गाइस, लेट्स गो। हमारे शोहा शिवम भाई का स्वागत कर दो भाई। अर्श बाबा ब्रो विलेज से डोर बना बनो, नहीं तो बार बार रेड होगी। डोर बनाऊं अभी? हाँ
अबे यार ये भी तो सीन है ना। क्या? ये बार बार रेड होएगी मेरे यहाँ पे, क्योंकि वो विंडिकेटर को मारूंगा मैं बार बार, तो रेड होएगी है ना। ये भी बात बिल्कुल सही बोली यार उनने। वैसे मेरे विलेजर मरेंगे नहीं, देख यहाँ पे मैंने विलेजर्स को सेव करके रखा हुआ है, टेंशन मत लो, सब बढ़िया है। अरे वो विंडिकेटर के सर पे वो होता है ना मुखोटा, जिसके भी सर पे मुखोटा होएगा ना वो रेड करवा देगा। यार वेक्टर प्लेट बनाने का मन था मेरा, लेकिन स्लाइम बॉल मेरे पास कितनी है, एक भी नहीं है। स्लाइम बॉल का जुगाड़ हो जाता ना मजा आ जाता। मैं बना तो सकता हूँ स्लाइम बॉल, लेकिन स्लाइम बॉल के लिए साला वो चाहिए, क्या बोलते हैं, वो दूसरा ट्रैप बना लो उससे लो रैंक वाला। नहीं ट्रैप तो है ये, मैं वो बना रहा था क्या बोलते हैं, जिससे वो जो मैंने पानी डाला है ना, अभी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो ऐसे स्लाइड होके आते, एलिवेटर बन जाता। चलो वैसे रेड का देखा जाएगा, फिलहाल तो चलते हैं रिजल्ट देखने क्या बनाया मैं। शायद कोई विलेजर पाजी करता है स्लाइम बॉल में भी ट्रेड। हम्म, कोई विलेजर करता होगा स्लाइम बॉल में ट्रेड सही में। हाँ हो सकता है कोई करता हो, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है कौन करेगा। यहाँ पे एक लीवर लगा देता हूँ, चलो भाई मॉब फार्म का तो जुगाड़ हो गया है। है ना ये चीज सही नहीं है, इससे क्या होएगा ना थोड़ा सही रहेगा चीज बैलेंसिंग में। अब आओ बेटा, शायद मेरे को यहाँ ऊपर लगानी चाहिए स्लैब, नीचे के वजह एक स्लैब यहाँ भी लगा देता हूँ। चलो हो गया काम। पहले गाइस इस स्पॉनर की स्पीड बढ़ाऊंगा मैं की से। ओ इसको ऑन करना पड़ेगा क्या पहले स्पीड बढ़ाने के लिए इसकी? चलो गाइस अंडा डालते हैं, काम स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स गो। रेडी हो पिलेजर्स मरने के लिए तुम लोग? आई होप कि तुम रेडी हो। आ जाओ बेटा भाई, शार्पनेस लगा के मारो। अरे वो शार्पनेस के लिए वो नहीं है ना, खरीदने के लिए सामान अभी आ जाएगा ना, एमराल्ड ये गिरा। हाँ ये मेरे को भी मार पा रहे हैं यार, मेरे को ये हटानी पड़ेगी यहाँ से, अब सही है। लूट कैसे उठाओगे भाजी? फिर उठाऊंगा लूट, ऊपर लगा देते। हम्म, ऊपर लगा देते वहां पे। रुको पहले इनको मारते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। हैं एमरल्ड तो मिल गए, एमरल्ड तो दबा के मिलेंगे भाई, अभी अभी तो उठाए भी नहीं है। अगर मैं ये तोड़ दूं ना तो पानी शायद आएगा, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे। तोड़ के देखो एक बारी, ये क्यों नहीं आएंगे? अरे स्लैब लगी हुई है ना, दो ब्लॉक के आए थे क्या? हाँ हाँ इनकी दो की होती है। देखो लूट, अब मेरे पास लूट सीधी आएगी।
और रेड भी हो रही है, देख रहे हो? ये तो मिल्क फिनिश से चली जाती है ना? हैं? काउ मिल्क से? नहीं, काउ मिल्क से नहीं जाती। टाइम होता है इसका। मेरे को इसको ऑटोमेटिक भी करना होगा भाई। 44 एम्बरल्ड इजी, 2-3 मिनट भी नहीं हुए मेरे को अभी, है ना? ऊपर लगाओ, ऊपर भी लगा लेंगे भाई। यार अंदर ही रह जा रहे हैं पता है ये। अबे यार मार दिए इन्होंने मुझे। मेरे को वहां पे जगह बनानी पड़ेगी यार थोड़ी सी, है ना? रुको यार, मैं वहां के लिए ना कुछ बना के लेके चलता हूँ। क्या बनाऊँ वहां पे जो लगा दूं मैं नीचे? अभी तो मेरे पास स्लाइम नहीं है, वरना मैं वेक्टर प्लेट ही बना के लगा देता। फिलहाल मैं वहां पे क्या लगा सकता हूँ गाइस, जिससे पानी रुक जाए? ट्रैप डोर बना लगा के देखूं। ट्रैप डोर से रुक जाएगा? ट्रैप डोर से हो सकता है काम वैसे। थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी यार। एक तो ये पिकैक्स इतनी ज्यादा बीस्ट हो गई है कि कोई हद नहीं है इसकी। ये देखो साले, ये पहले जा रहे हैं मेरे को यहाँ से। अब मेरी बॉडी को भी हटने में टाइम लगेगा यहाँ से। तो काम भाई, नाइस। अब आ जाओ सालो तुम। बहुत ज्यादा है लूट तो नहीं अटकेगी इसकी वजह से? देखना पड़ेगा लूट अटकेगी क्या नहीं अटकेगी। फिलहाल अटकनी तो नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं अटकेगी शायद, वैसे लूट तो अटकी हुई है अंदर काफी सारी, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो बेटा, मरने का वक्त आ गया। अब देखूंगा मैं लूट अटकेगी क्या नहीं अटकेगी, है ना? वैसे यहाँ पे मैं अगर होपर लगा दूंगा तो बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं अटक रही लूट, डायरेक्ट आ रही है मेरे पास। बढ़िया आ रही है, उछल उछल के आ रही है लूट तो बल्कि। ओ भाई इजी एम्ब्रल्ड गाइस। होपर से पानी रुक जाएगा। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया भाई, सस्ता जुगाड़ लगा दिया हमने यहाँ पे। अगर मैं इसको और तगड़ा बनाना चाहूँ ना तो पता कैसे बना सकता हूँ? मैं यहाँ पे एक और स्लैब लगा दूंगा तो फिर तो ये बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे मेरे को। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे को देखे, क्योंकि देखने से एग्रो होंगे मेरे ऊपर। तो एग्रो होने की वजह से क्या होएगा कि ये मेरे को मारने आएंगे, और फिर मारने आएंगे तो फिर थोड़ा आसानी रहेगी इनको मारने से मेरे को। अंडा गिराया? अंडा नहीं गिरा रहे अभी। मेरे को ऐसा लग रहा है लेफ्ट साइड में ना लूट अटक रही है। बंद करके चेक कर लो। मेरे को स्पॉनर बंद करके ना इसको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा सही तरीके से। ओह
ऊपर ही खड़ा हुआ है साले जा यहाँ से। इस जगह को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ है ना, ताकि मैं थोड़ा लंबा ट्रैवल कर लूँ लेफ्ट राइट तक। आ जा बेटा आ जा, लेवल भी ग्राइंड हो रहे हैं वैसे यहाँ से मुझे, ये चीज सही है। देखो लेफ्ट में बहुत सामान जा रहा है, तो ये चीज मेरे को देखनी पड़ेगी कहाँ जा रहा है लेफ्ट में। यहाँ अटक रहा है लेफ्ट में कहीं सामान, देखो ये भी नहीं आ पा रहा ना, माल अटका पड़ा है वहां पे बहुत सारा। चलो देखता हूँ कहाँ अटका हुआ है। ये मर गया, देखो ये अटका हुआ भाई साहब, मिल गया अबे अंडा भी मिल गया। देखो कितने सारे एम्ब्रॉयडर लटके हुए थे भाई यहाँ पे, इसको सही कर ही लेता हूँ है ना, लगे आ तो। चलो अब अटकेगा ही नहीं सामान, ऐसा कर देता हूँ इसको यहाँ पे होपर लगा देता हूँ है ना, यहाँ होपर लगा देता हूँ, फिर नहीं होगा कुछ भी खराबी। होपर बना के लेके आता हूँ, फिर काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एकदम प्रोफेशनल काम हो जाएगा। चलो गाइस होपर लेके आते हैं, इसको तो मार दूँ, ये क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे। चलो होपर से पानी रुक जाता है, बाकी सब लोग भी कह रहे हैं तो देख लेते हैं, ये और भी बढ़िया रहेगा अगर होपर से पानी रुक गया तो है ना। कारपेट लगा देना, लेकिन होपर के ऊपर कारपेट लगा दूंगा ना, रुक जाएगा। लेकिन हाँ यार पानी कारपेट तो रोक ही नहीं पाता, प्रेशर प्लेट रोक देती है पानी। रेड हो गई अब तो भाई, इजी पीजी मनी है यार फुल, देख रहे हो भाई एमरल्ड का एमरल्ड भाई, अब तो बीकन बीकन सब बन जाएंगे। अंडा भी मिल गया, संभाल के रख देता हूँ इंडिकेटर का अंडा। एमरल्ड महंगा भी होगा तो अपग्रेड भी इससे जल्दी हो जाएगा है ना। हाँ और एमरल्ड से अपग्रेड भी हो जाएगा माल, सही कह रहा है यार तू अंशु भाई, इससे अपग्रेड भी हो जाएंगे चीजें। एक शार्पनेस दे दे रहा भाई, अच्छा तू तो दे ही नहीं करी, ये थोड़ी देगा शार्पनेस। शार्पनेस के लिए नया विलेजर लाना पड़ेगा है ना। चलो अभी मैं क्या करने वाला था, पहले सोने वाला था मैं और फिर होपर बनाऊंगा। मिल्क ले लो, मिल्क से हो जाता है क्या, ये नहीं होता मेरे ख्याल से मिल्क से, अरे हटनी चाहिए एक बार लेके देख। लेकिन अब तो हो गई ना रेड, नीचे जाके देखेंगे। काओ पाल ही नहीं रखी मैंने एक भी, पालनी पड़ेगी मेरे को। लेना था यहाँ से बहुत सारा आयरन, और यहाँ से लेना बहुत सारा वुड, जिससे बनेगी पहले चेस्ट। 8 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा मेरे को होपर। कैसे था वैसे होपर, यार मैं तो होपर ही बनाना भूल गया। अच्छा ऐसे था ना, यस। पहले 8 बना के लेके चलता हूँ, 9 बना लिए मैंने, काम आ जाएंगे अगर बच गए तो। चेस्ट भी तो लेके जाओ, चेस्ट नहीं लगाओगे? चेस्ट की जरूरत वैसे पड़ेगी है ना, लेके चलता हूँ एक चेस्ट। गाइस क्या हो पर पानी रोकेगा, यूज बॉटम टू स्टॉप वाटर बटन। बटन से वाटर रुक सकता है वैसे, हाँ सही कह रहे हैं यार, ये क्या क्या दिमाग दे रहे हैं यार, मैंने कभी इतना दिमाग नहीं लगाया माइनक्राफ्ट में।
बटन बटन से भी रुकता है क्या? अरे यार जा आगे, फिलहाल यहाँ पे एक चेस्ट लगेगी ऐसे, इस चेस्ट में लगेगा एक होपर। हाँ डायरेक्ट होपर से नहीं रुक रहा है पानी। कारपेट लगा के देखो क्या होता, रुक जाए। कारपेट नहीं रोकी थी ना पानी, अगर मैं इसके ऊपर, कारपेट नहीं रोकेगा ये, कह रहे बटन रोकता है, देखो क्या बटन रोक के, देखो ना वो रोक रहा है बटन पानी भाई, लेकिन पत्थर का बटन रोकेगा लग रहा है पानी। नहीं रोक पा रहा बटन, हट जा रहा है बटन। क्या लगाऊं इसके ऊपर, रुको ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ट्रैप डोर। पहली बात तो मेरे को होपर ही मैंने गलत जगह लगाए हैं, मेरे को यहाँ पे नहीं लगाने ये होपर, मेरे को एक स्टेप आगे लगाने हैं होपर यहाँ पे। चलो भाई चलो 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 चलो, अबे ऊपर कहाँ जा रहा है? गाइस कोई दिमाग दो यार, मेरा आउट ऑफ दिमाग हो गया। अरे वो भी तो लगा, रोक लेते हैं यहाँ पे वॉटर को, वो साइन बोर्ड फैंस लगा दो, साइन बोर्ड लगा बना के लाता हूँ, साइन बोर्ड रोक लेते हैं भाई, है ना? साइन बोर्ड वाला आइडिया अच्छा है, साइन बोर्ड पानी रोक दे देंगे। अब साइन बोर्ड कैसे बनते थे, साइन बोर्ड ओके ऐसे बनते हैं, लकड़ी की कमी पड़ेगी मुझे लग रहा है। पड़ गई लकड़ी की कमी, स्टिक के तो है, चलो जितने बन रहे उतने तो बनाऊं, चार बन रहे हैं, अरे बहुत बन जाएंगे भाई, चार छः नौ बन गए, बहुत है नौ। चलो आप काम हो जाना चाहिए भाई, वॉल्ट रन करने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है यार, नॉट इजी थिंग भाई, बहुत मुश्किल है। चलो भाई टॉर्च, अरे यार यहाँ क्यों लगा दिया मैंने ये, एक यहीं लगा देता हूँ सबसे पहले तो। चलो अरे यार चलना जल्दी, ऑलमोस्ट रुक गया, लेकिन ये क्यों आ रहा है इधर? वेट, क्या मैं इसको अगर ऐसे रख के और तोड़ दूंगा तो रुक जाएगा? अबे ये दो पानी क्यों आ रहा है बाहर, आने दूंगा इसको, आना नहीं चाहिए वैसे ये। अगर मैं यहाँ पे एक साइन बोर्ड, लैडर से भी वैसे रुक जाता है पानी, इतना ठीक है वैसे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अब बीच में दो आ रही है यार, इनका क्या कुछ नहीं कर सकते इनका। रुको ये आएंगे यार बीच में, वो आएगा यार, उसका कुछ नहीं कर सकते। पानी पिक कर दो यार, ये आएगा। अच्छा पानी पिक करने के बाद शायद ना आया ना, देख लो
एक बार देख लेता हूँ ये काम करके भी। आ रहा है यार, अभी भी आ रहा है, आएगा वो, आएगा भाई, उसको आना है, वो आएगा। अगर मैं ऊपर भी एक साइन बोर्ड लगा दूं, साइन बोर्ड तो खत्म हो गए, ट्रैप डोर। क्या क्या करके देखना पड़ रहा है, ट्रैप डोर भी उतना ही रख रहा है, साइन बोर्ड भी उतना ही रख रहा है, तो साइन बोर्ड ही लगा देता हूँ। क्या करूँ यार, हद है। साइन बोर्ड के ऊपर एक लगा दो, साइन बोर्ड के ऊपर साइन बोर्ड लगता है क्या? नहीं लगेगा, ये तो यहाँ लगेगा फिर, सीधा ऊपर पे लगेगा, जो कि सही नहीं है। अरे ठीक है यार, इतना थोड़ा पानी रहने देते हैं ना, बस ये कि ये लूट को थोड़ा आगे लेके आएगा। वैसे मैं एक तरीके से रोक सकता हूँ, अगर मैं ये ऐसे ना लगा करके, अगर मैं ऐसे लगाता साइन बोर्ड को, कहाँ गया, इसमें आ गया। देखो अगर मैं साइन बोर्ड को ना ऐसे लगाऊंगा ना, तो काम बन जाएगा। हंसु देख, कुछ दिमाग में आइडिया आया है, ऐसे। और ऐसे है ना, वो रुकेंगे भी नहीं, आते रहेंगे, विंडिकेटर मतलब जो भी है वो। ऐसे ही लगाना चाहिए था मुझे, ऐसे है ना, वो रुकेंगे भी नहीं, अब उनको मार भी पाऊंगा मैं इजीली यहाँ से, और लूट भी आती रहेगी। लेकिन यार होपर के अंदर लूट पता नहीं आएगी क्या, नहीं आएगी फिर कभी रुके, एक बार चेक करके देखता हूँ ना। चेक करके देखते हैं गाइस एक बारी। यहाँ पे एक पत्थर लगा देता हूँ, कभी यहीं से आ जाए वो। हो गया गाइस काम, शायद हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, चेक कर लेता हूँ। हो गया गाइस काम, मेरे को लग रहा है। ये बॉयज इजी पीजी फार्मिंग, बस लूट देखना है मेरे को, अटकेगी क्या नहीं अटकेगी। अरे आ रही है लूट, मस्त एक्सपी मुझे मिल रहा है और बाकी इसमें जा रहा है। ये देखो आ रहा है भाई अंशु, हो गया काम, हो गया। इसको ऑटोमेटिक बनाना है बस मुझे अब, मेरे को यहाँ पे 1 घंटे में 1000 से ज़्यादा एमराल्ड मिल जाएंगे, 1 घंटे में है ना, 1000 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे। टोटम कौन भी रहता है? टोटम विंडिगेट, वो क्या नाम है उसका, जादूगर, तो है ना उसका एग मिला नहीं मुझे। मेरे को बस अब ऑटोमेटिक बनाना है इस चीज को। Your gameplay is OP bro. Ricky Sen, thank you so much. Sharpness लगा लो।
अब तो थोड़े एमरल्ड तो इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद लगाते हैं भाई। शार्पनेस से इसका डैमेज बढ़ जाएगा सोर्ड का, है ना। जल्दी मरेगी। देखो भाई क्या एमरल्ड मिल रहे हैं, गजब। इसको मैं फुल ऑटोमेटिक करूंगा बाद में, देखना। वैसे मैं एक बात और बताऊं, अगर मैं ये वाले साइन बोर्ड ना लगाऊं ना तो पानी आएगा यार। यहाँ पे एक साइन बोर्ड और लगेगा जिससे पानी रुक जाएगा। मैं ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा ज्यादा कोई। रुको रुको रुको, यहाँ पे एक साइन बोर्ड और लगा के देखता हूँ। रुका पानी, ओ रुक गया। देखो सिर्फ दो चार साइन बोर्ड लगाने थे, दो यहाँ अब हो गया। अब देखो अब ये बीच में आएंगे सारे और मेरे को तलवार मारने में इनको दिक्कत भी नहीं होगी ऐसे। और इसमें ना एक चीज और बनती है अंशु, देखो अभी बनाऊंगा वो चीज। मेरे को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तलवार अपने आप डैमेज होगा इनको। अभी बना सकता हूँ, एक मिनट। मॉब ट्रैप बन जाएगा भाई। ब्लैक डाई चाहिए बस मुझे, डैमेज ट्रैप बना देता हूँ, बना ही लेता हूँ। चलो भाई एक बार जरा वो ट्रैप बना लेते हैं, फिर उससे क्या होगा ना, उससे मेरे को दिक्कत नहीं होगी, बहुत सही हो जाएगा मेरे लिए। अरे यार ये स्केली भी ना, एक बार थोड़े इंक सैंक ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब लूटिंग तो लगाई हुआ है तो थोड़ी जल्दी मिल जाएंगे मेरे को इंक सैंक भी। मोनू बी बाजपाई, कैसे हो भाई मोनू बाजपाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। गाइस कैन वी हैशटैग मोनू बाजपाई इन द चैट, लेट्स गो बॉयज। ओ भाई क्या स्पीड में भाग रही है ये, मर गई। ओके मुझे इंक शैंक मिल गया, थोड़ा सा और इंक शैंक चाहिए बस। गाइस कैन वी हैशटैग मनोज बाजपाई इन द चैट। रिदम स्टूडियो JDP, थैंक यू सो मच फॉर 20 सुपर चैट। छः मिल गई मुझे, छः से छः ही मिल रही है। ओके पांच और मिल गई, 11 हो गई, हो जाएगा काम। छः ही चाहिए होती है वैसे। लेट्स गो बॉयज। भाई बढ़िया काम हो गया। रिक्की सेन यू हैव 16 वॉच टाइम पॉइंट, लगा ना 16 का कितना हो जाता है, एक पांच मिनट के हिसाब से। पांच मिनट में एक पॉइंट है, 6 मिनट कितने, 80 80 मिनट, यानी कि एक घंटा 20 मिनट देख लिया उन्होंने लाइव स्ट्रीम, है ना। नाइस, देखो इस पॉइंट से मेरे को भी बहुत फायदा होगा, मेरे को पता चलेगा कि भाई कितने बंदों ने कितनी देर तक देखा। अबे आजा, ये क्राफ्ट क्यों नहीं हो रही। रिक्वायर्ड रिसर्च, अबे रिसर्च रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए, लोल। डार्क यूटिलिटीज, तो मेरे को क्या रिसर्च रिक्वायर्ड चाहिए भाई। मैकेनिज्म डार्क यूटिलिटीज तो इसमें है ही नहीं। अच्छा होगा होगा, ड्रैकोनेशन पावर फार्मिंग क्रेट बेस यूटिलिटीज बुटानिया जेट पैक डैंक एक्सेक्शन बोल्ट पावर वोल्ट पावर बिल्डर गैजेट बुटानिया। यार डार्क यूटिलिटीज कहाँ है इसमें यार। डैंक्स एक्सेंडो डार्क यूटिलिटीज नहीं है इसमें, यूटिलिटीज में है ना बीच में। बुटान डैंक्स है वो तो, डैंक्स क्या है, डैंक्स तो अलग है ना। इजी विलेजर फार्मिंग में,
और इनको रिसर्च करने के लिए एक पॉइंट चाहिए यार, पॉइंट तो मेरे पास है नहीं अभी। देखो वेस्ट ऑन यूज करने के लिए भी पॉइंट चाहिए, ये रहा डार्क यूटिलिटीज, एक पॉइंट चाहिए यार मेरे को ना। अबे 6 पॉइंट चाहिए, लोल 6 पॉइंट से खुलेगा ये यार, शिट ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरे को वॉल्ट जाना ही पड़ेगा गाइस, मेरे को वॉल्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा, मेरे को पॉइंट चाहिए। चलो यार अब बहुत हो गया एम्ब्रल्ड, अब जरा अपना तलवार को रेडी करके मैं जा रहा हूँ सीधा उसके अंदर। लेकिन यार स्लॉट भी नहीं मिले अभी तक यार, पता नहीं आज जा पा। वैसे मेरे पास चांस तो मल्टीपल हैं, एक विलेजर पकड़ के लाता हूँ पहले, तो एम्ब्रल्ड तो काफी सारे हो गए हैं। ओहो लगता है किसी की खैरियत हो गई यहाँ पे यार। नल्ला विलेजर के लिए तो मेरे को लगता है मेरे को फार्मर छोड़ने पड़ेंगे, है ना। मैंने लगता है मैंने सारे विलेजर पकड़ के रख लिए हैं, है ना, तो मेरे को फार्मर छोड़ने पड़ेंगे अगर मेरे को नल्ला विलेजर चाहिए तो, क्योंकि वो ब्रीड करते हैं ना फार्मर्स। जाओ भाई अपने घर जाओ, गलती से मैंने पकड़ लिया था तुम लोग को। ये ब्रीड करे तब तक अपग्रेड कर लो कुछ। हाँ वही कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं, बहुत सारी अननोन चीजें भी भर गई इन्वेंटरी में, वो भी खाली करनी पड़ेंगी। ये पैक क्या आना पड़ेगा इतना सारा सामान। ब्रो वाटर को एक ब्लॉक पीछे लगाओ, अब तो हो गया, छोड़ो अब तो हो गया, बढ़िया काम हो गया। वहां पे कोई को रख देता हूँ और ये सारे विलेजर्स को निकाल देता हूँ, एक दो, चलो बाकी को भी निकाल ही देता हूँ, रख के करना क्या है मुझे इनका। नेटविट को भी निकाल देता हूँ, जाओ भाई जाओ जाके करो कुछ हिसाब किताब। ये नल्ला विलेजर है, अबे नल्ला विलेजर मिला, ले ले भाई जॉब। अरे ले ले भाई, क्या लेगा यार जॉब का ये। ले ले भाई जॉब, वहां क्यों जा रहा है। कोने में क्यों जा रहा है, इसको क्या चाहिए। ओ ले ली ने जॉब, नाइस। अरे कहाँ भाग रहा है साले, भाग गया भाग गया, अबे भाग रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ो वे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहाँ गया, अबे घुल मिल गया इतने सारे विलेजरों में, कौन सा वाला था, ये रहा पकड़ो पकड़ो, फिर से भाग गया लोल। अबे रुक जा, अबे तेरी तो रुक इसको पता चल गया लग रहा है भाई अबे क्या स्पीड में भागा ये भाई भाई खतरनाक लगा ये स्पीड। हाँ वही तो, इसको लगा कि ले भाई हो गया काम मेरा। चलो भैया प्रोटेक्शन मिल जाए फटाफट। कौन सा फ्लेवर चुपचाप आके बैठ गया, बोल भी नहीं रहा है। यू इज द बिकॉज़ शार्पनेस मिल गया अंशु, लेकिन फिर एक और विलेजर ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए शार्पनेस को चाहिए होगा ना।
चलो शार्पनेस तो ले लो कम से कम, है ना। मारने के लिए इजी तो मरेंगे कम से कम थोड़ा। टू और टू, चलो इसको बढ़ा के देख लेता हूँ। पहले इसमें शार्पनेस लगा तो लूँ, अब देखते हैं इसको कितना कर सकता हूँ मैं। 8.5 हो गई इसकी, ठीक है। तो अब 9 की हो गई शार्पनेस 3 पे, और देखता हूँ कितनी कर सकता हूँ। शार्पनेस 4 हो गई, 5 हो गई, आप कितनी हो गई, 6, 7, 11 का अटैक डैमेज हो गया। बस एक और कर दूं, 12 बस। अरे शॉट किल कर दो, एमरल्ड खत्म हो जाएंगे सारे। और कर लेना फार्म नीचे से। चलो 10 तक कर ली मैंने, 10 नहीं हुई शायद, 8 हो गई है। 12 का अटैक डैमेज हो गया इसका। मार के देखो उनको, वन शॉट मर रहे हैं। वन शॉट शायद नहीं मरेंगे, देख लेता हूँ। इसको रिपेयर भी कर लेता हूँ थोड़ा, एक मेंडिंग और मिल जाती ना। एमरल्ड मिल जाएगा कोई ना कोई नल्ला गली पे। हाँ अब तो, अब तो हो जाएगा, अब तो प्रोडक्शन चालू है। अरे यार हेलमेट भी ब्रोकन कर दिया इन्होंने मेरा बिल्कुल। चलो थोड़े से एम्ब्रल फार्म करके देखते हैं। लूटिंग यार और नहीं बढ़ा रहा लूटिंग में, लूटिंग 5 ठीक है ना। तीन शॉट में मर रहे हैं, तीन शॉट या दो शॉट में मर रहे हैं। इनका मुंह उधर की तरफ क्यों है भाई? मेरे को भी दे दिया उनने एक शॉट। लेकिन भाई क्या जल्दी जल्दी मर रहे यार, सही है यार, अब बहुत फास्ट मर रहे हैं, दो तीन शॉट में मर रहे हैं। आर के पटेल भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। भाई मेरे को लग रहा है अपन 100 मेंबर बहुत जल्दी कर लेंगे, है ना। गाइस कैन वी हैशटैग आर के पटेल इन द चैट एंड भाई हैशटैग कर दो भाई। स्वागत है ब्रो आपका, कितने हो गए? ओ भाई अबे स्लोट मिल गया भाई, लेट्स गो। ओ भाई साहब अभी वोल्ट में जाने वाला था, स्लोट मिल गया, लेट्स गो। एक स्लोट खुल गया अपना भाई साहब, अब आएगा मजा तो यार, अब आएगा ना मजा बिड़ू। अब असली चीज मिल गई यार अपने को, तगड़ी चीज मिल गई गाइस, स्लोट खुल गया भाई अपना। अब तो अनलिमिटेड हीलिंग हो जाएगी भाई अपने पास, अब ना अब तो डरने लगेगा, अब डरने लगेगा ज्यादा जाने में। चलो भाई अब वॉल्ट रन करके आते हैं, थोड़े तगड़ा वाली लूट लेके आते हैं, चीजों को ऑटोमेटिक करते हैं। मर रहे गए हैं, शार्पनेस में काम किया। हाँ शार्पनेस बढ़िया काम कर रहा है, दो शॉट में मार रही है। ये देखो यार क्या तगड़े तरीके से आ रहे हैं एमरल्ड मस्त फुल। चलो सोच रहा हूँ थोड़ी सी और बढ़ा लूं शार्पनेस, कुछ
कुछ और भी होता है क्या जिसको डालने से मतलब जल्दी मरे इसके अलावा? भाई चैट को ही पता होगा, मेरे को तो ज्यादा इंचेंटमेंट के बारे में पता नहीं है। चैट तलवार में और क्या लगा सकते हैं बताओ, बताओ तलवार में और क्या लगा सकते हैं, फिर खरीदता हूँ ऐसा कुछ मिला तो बढ़िया चीज। तलवार के लिए यहाँ पे है मेरे पास शायद कुछ पियर्सिंग पावर अनब्रेकिंग, एक अनब्रेकिंग तो डालूंगा ही, एफिशिएंसी फॉर्चून फोर होल्डिंग इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी लॉयलिटी, लॉयलिटी भी नहीं ले सकता भाई। फायर एस्पेक्ट है मेरे पास, फायर एस्पेक्ट बढ़िया है लेकिन यार मेरे को भी जला देंगे फिर वो। बेन ऑफ ऑर्थोपोड इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट ऑर्थोपोड सच एज एंसेंटोम, नॉकबैक मैक्स 3 इंक्रीज, नॉकबैक लगा सकते हो है ना, नॉकबैक लगा लेता हूँ यार, लेकिन नॉकबैक के लिए फिर मेरे को 2 भी चाहिए होगी नॉकबैक। क्या ये लग जाएगी देखू लगा के, नहीं लग रही है, हाँ एसेंट नहीं लग रही है। पहले छोटी वाली चीज के लिए फायर एस्पेक्ट लगा लो, स्वीपिंग एज, स्वीपिंग एज भी कह रहे हैं लोग बाग। चलो यार अभी इसमें तो यही है, फिर एक नया विलेजर चाहिए होगा अपने को है ना, लग रहा है बैड बैड लगाने पड़ेंगे लग रहा है मुझे यहाँ पे। अरे मिल गया एक और नया विलेजर मिल गया, इधर ही खड़ा हुआ है भाई ये रहा, किडनैप कर लो इसको कर लिया। चलो भाई हेलो भाई साहब जी, अब आप जाओ थोड़ी देर के लिए, आपका काम हो गया है, नए बंदे को बिठा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ले लो भाई, ये भी भागेगा मुझे लग रहा है। ओ भाई ये तो छूटते ही भाग गया उधर, ये वहीं क्यों खड़े हो रहे हैं भाई। ओ हो गया ले लिया ले लिया, अरे भाग रहा था पकड़ लिया भागना शुरू करने ही वाला था बस जस्ट पकड़ लिया मैंने उसको। ये इतनी दौड़ क्यों लगा रहे, किससे डर रहे, शायद रेड की वजह से डर रहे है ना, रेड की वजह से छुप के खड़े हुए हैं ऐसे। चलो स्वीपिंग एज ढूंढते हैं या प्रोटेक्शन ढूंढते हैं यार अब ना, तलवार के मैं बढ़ा लूंगा थोड़ा सा बस, अब आर्मर के लिए देख लेता हूँ थोड़ा सा यार। मेंडिंग मिल रहा है वैसे लेकिन मेंडिंग भी अभी बाद में लगाएंगे है ना, पहले कम से कम चलने का जुगाड़ तो बनाए, काफी देर से हम गए नहीं उसके अंदर। पोटैटो रिकवरी प्रेस इंचेंटमेंट पोटैटो रिकवरी, ये पोटैटो रिकवरी नहीं समझ में क्या सीन है। बेन ऑफ ऑर्थोपोड स्माइट, अभी स्माइट भी लगा सकते हैं लेकिन स्माइट और शार्पनेस एक ही लग सकते हैं ना, एक ही चीज लग सकती है। स्वीपिंग एज की बहुत डिमांड आ रही है यार, स्माइट तो लगा सकते हैं लेकिन स्माइट लगेगी पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी है ना, और मैं इसके साथ एक ही इंचेंटमेंट कर सकता हूँ, फिर ये इंचेंटमेंट बदलेगा नहीं अपनी, यानी कि फिर अपने को प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलेगी। तो प्रोटेक्शन ले लो पहले, प्रोटेक्शन ले लेता हूँ पहले ना, मिल गई प्रोटेक्शन, एक बुक चाहिए, इसको बढ़ा लूँगा मैं ना प्रोटेक्शन को। अब ये तो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है, रिड्यूस डैमेज प्रोटेक्टर सच एस एरो एंड फायरबॉल्स, नहीं यार प्रोटेक्शन चाहिए सिर्फ। नॉकबैक मिल रही थी बट अपने को प्रोटेक्शन चाहिए भाई। फ्रॉस्ट वॉकर रिप्टाइड स्वीपिंग एज, फ्रॉस्ट वॉकर स्वीपिंग एज भी मिल रही थी, मतलब मिल जाएगी अपने को है ना चीजें लेंगे तो। मिल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा, सच ससी सतीस्ती चैनलिंग रिप्टाइड लक ऑफ सी एफिशिएंसी लूर थॉर्न्स फायर एस्पेक्ट लक ऑफ सी शार्पनेस 3 मेंडिंग डेप्थ स्ट्राइडर फ्रॉस्ट वॉकर
फायर एस्पेक्ट, रिपटाइड, सिल्क टच, इम्पेलिंग, चैनलिंग, पोटैटो, नहीं दे रहा क्या, कर्स ऑफ बाइंड, देगा देगा, इसकी रिपीट नहीं होती इसकी चीज, यही बात है लाइब्रेरी की खासियत, होल्डिंग, कर्स ऑफ बाइंडिंग, क्योंकि इसके ना बहुत सारी वो होती हैं कि बहुत सारी तरीके की चीजें दे सकता है ना, तो इसकी जल्दी से रिपीट नहीं होती। फेदर फॉलिंग, मल्टी शूट, स्माइट, रेस्पिरेशन, लूटिंग, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ही दे रहा है ये, मुझे लग रहा है इसकी रिपीट हो गई, मुझे तोड़ के दूसरा लगाना पड़ेगा। मैं भाग गया, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। रुको, इसको अंदर ले जाके थोड़ी देर के लिए मैं है ना लोहे का गेट लगा देता हूँ, है ना, ना तो कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा, ये बहुत परेशान करते हैं मुझे, इनको हटा देता हूँ और ऐसा करता हूँ मैं ये लगा देता हूँ स्लैब, ये आ ही नहीं पाएंगे, मैं ही जा पाऊंगा बस यहाँ से। ठीक है भैया, बाहर ही रहना, अंदर मत आना, और इसको दे देता हूँ मैं जॉब, ले लेना जॉब, घबरा क्यों रहा है, ले 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 ले। कैपेसिटी, लॉयलिटी, फायर प्रोटेक्शन, स्माइट, एफिशिएंसी, रिपटाइड, स्वीपिंग एज, मेंडिंग, चैनलिंग, कर्स ऑफ बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, ओ मिल गया प्रोटेक्शन थ्री मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन मेरे को और चाहिए होंगे प्रोटेक्शन, तीन और चाहिए होंगी, देख लो ना पहले किसी में तो लगी हुई थी शायद, दो, सही कह रहा हूँ किसी एक में तो लगी हुई थी, हाँ हेड में लगी हुई है, बाकी तीन खरीद लिए मैंने, नाइस। चलो भाई साहब जी आप भी आ जाओ अब खोपचे में, फाइनली भाई मिली प्रोटेक्शन मेरे को, एक ही लैक्टन से इतने सारे बना दिए हमने। चलो अब जरा मैं इसको लेवल अप कर लेता हूँ टूल्स को, अपना हेड तो हो ही गया था पहले, और बढ़ाऊँ क्या इसको, 5-5 कर देता हूँ इनका लेवल, प्रोटेक्शन 5। पहले डाल तो लूँ इनमें, अरे यार इसमें से निकालनी भी पड़ेगी इंचेंटमेंट मुझे। रामेश्वर थैंक यू सो मच फॉर योर 20, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट ब्रदर। फेदर फॉलिंग, फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, अरे पेंट में भी डला हुआ था प्रोटेक्शन, यार दो ही की जरूरत पड़ेगी मतलब मुझे। इंचेंटमेंट बुक, अरे ब्लेज रोड तो खत्म ही हो गया मेरा, ब्लेज का एग है ना आपके पास, नहीं है एग तो है लेकिन चलो ऐसा करता हूँ एक अंडा रख लेता हूँ, दो को स्पॉन करके, और रिस्क देख रहे हो, अबे मर गया मैं लोल अच्छा मेरे पास आर्मर नहीं था तो इतनी जल्दी मरूंगा मैं, आर्मर नहीं था तो, देख रहे हो गाइस 5 ब्लेज रोड के लिए तुम्हारे भाई ने जान दे दी, हम तो ऐसे ही हैं। चलो भाई अब बना लेते हैं बुक्स, गोल्ड चाहिए थोड़ा,
चलो बन गई। अब इसमें से निकालते हैं फायर प्रोटेक्शन, निकला। ओ भाई पहली बारी में ही निकल गया, नाइस। अब इसमें से निकालते हैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन, चलो एक बुक मेरी बच भी गई। ये गया ब्लास्ट प्रोटेक्शन, ये गया फायर प्रोटेक्शन, ये गई हमारी बुक। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। चलो भाई अब जरा इनको थोड़ा थोड़ा रिपेयर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 चार डायमंड से रिपेयर हो जाएंगे एक एक। चलो एक्स भी खत्म हो गया मेरा, तो इनको बाद में करेंगे रिपेयर। कितना फास्ट काम करना पड़ रहा है। चलो अब इनको लेवल अप करते हैं, 5-5 लेवल का कर दूंगा मैं इनको। 2 4 5 3 4 5 3 4 5 थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 5-5 से, है ना। व्हाट, ये यार डायमंड का प्रोटेक्शन कुछ ज्यादा ही कम नहीं दे रहा है। ये आयरन का करके देखूं मैं एक बारी। दो दो तीन तीन ऐसे कैसे दे रहा है। हाँ वही तो, एमराल्ड का बन रहा है क्या कोई आर्मर? अबे ये तो बहुत कम दे रहे हैं आर्मर इसका, इसका वो दे रहा है मुझे, इसका 3 दे रहा है सिर्फ आयरन का, और 2 दे रहा है, इसका 3 दे रहा है। और अगर मैं इसको अपग्रेड करूं, भाई 3 का प्रोटेक्शन है इसका यार, लोल। मतलब मेरे को ये वाले आर्मर नहीं चलेंगे भाई, मेरे को खतरनाक वाले आर्मर चाहिए होंगे अंदर जाने के लिए। नेदरराइट का 4 का प्रोटेक्शन है अंशु भाई, लोल। चलो मैं ऐसा करता हूँ, पोशन हमने बना लिए थे, इंस्टेंट हीलिंग 2 चाहिए था ना मुझे। अरे 2 बनाया तो था मैंने, ये रहा ना इंस्टेंट हीलिंग 2। एक चाहिए एंडर पल्स, लेट्स गो। और अब बना लेते हैं इसका हम फ्लास्क। अरे कहाँ है, ये रहा रीजनरेशन। ओके मेरे को एनविल में डालना है इसको ऐसे। अरे बन क्यों नहीं रहा, अबे रीजनरेशन बनाने के लिए और इंस्टेंट हीलिंग, ये तो अलग अलग सीन है इनका यार। रीजन इंस्टेंट हेल्थ, आपको तो हेल्थ का चाहिए ना। हाँ पोशन ऑफ हीलिंग, एवर पोशन इंस्टेंट हेल्थ। अरे 2 का नहीं बनता क्या इसमें, 2 का नहीं बन रहा भाई, लोल। शायद से 2 का नहीं बन रहा है इसमें। हाँ 2 का नहीं बन रहा है इसमें, लोल। कोई ना भाई, थोड़ा लेवल चाहिए मेरे को, तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा लेवल इकट्ठा करने के लिए। फार्म पे जाओ। इसके लिए मेरे को रीजनरेशन का बनाना पड़ेगा, और रीजनरेशन के लिए मेरे को एसेंस लाना पड़ेगा। इसका बढ़ा ही लेता हूँ थोड़ा शार्पनेस वगैरह भी, है ना। मैं तभी तो कहूँ कि मेरे को डायमंड के आर्मर में भी इतना जल्दी डैमेज कैसे दे पा रहे हैं यार, है ना।
आर्मर का लेवल ही बहुत कम है इसमें, आर्मर के लेवल्स कम किए हुए हैं इन्होंने। हो गया वैसे मेरे पास इतना काफी है। मुझे फुल पावरफुल आर्मर चाहिए होगा भाई, बनाऊंगा तो सही। मैं अंदर जाके कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। चलो यार फिलहाल यही बना लेते हैं। अब इसको डालना पड़ेगा हमें स्लॉट में इस तरीके से। फिर मैं आर आर ने टी दबाऊंगा तो टी में देखो ये रहा, पहले रिचार्ज होता है। आई थिंक इसका कुछ सेकंड का सीन होता है रिचार्ज का। फिर रिचार्ज होने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे को इंस्टेंट हेल्थ दे देगा। चलो कुछ तो जुगाड़ हुआ है ना भाई। सिल्क टच है मेरे पास एफिशिएंसी के साथ। आर यू रेडी बॉयज? दो टोटम लेके जाऊंगा, टॉर्च लेके जाऊंगा बहुत सारे। कहाँ गई टॉर्चे? क्योंकि टॉर्च से ही पता चलेगा मुझे मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। ओके बॉयज कितनी देर में चार्ज हो जाता है ये देखना पड़ेगा उसका। ओके मतलब ये लगभग आधे मिनट में एक मिनट में रिचार्ज हो जाएगा। शार्पनेस बढ़ा लेता हूँ इसकी। बारह की कर दी, बहुत है इतनी है ना। क्या और बढ़ाऊं? देख लो सामान है। बढ़ा लेता हूँ सामान तो है। चलो 10 लेवल कर दूं? नहीं यार 15 का अटैक डैमेज हो गया बहुत है। ओके रिपोर्ट है अब सब चीजें। प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा है मेरे पास। सोच रहा हूँ फैदर फॉलिंग और बढ़ा दूँ ताकि मेरे को डैमेज ना मिले। फैदर फॉलिंग बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा और। 5 हो गया फैदर फॉलिंग, अब मेरे को डैमेज इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। थोड़ा चेस्ट प्लेट पे ना प्रोटेक्शन और बढ़ा देता हूँ बस। चेस्ट प्लेट पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है। ओके देखो ये जो आवाज़ आई ना इसका मतलब मैं हीलिंग कर सकता हूँ। अब क्लिक करूँगा तो हीलिंग हो जाएगा, बस मुझे खाना थोड़ा सा चाहिए अच्छे वाला। वैसे पोटैटो से काम चल जाएगा, एक रन में पोटैटो से काम हो जाएगा क्या? शायद ना होए। खाना ले ही लेता हूँ मैं, थोड़ी गाजरें ही बना लेता हूँ ना। खाना तो अंदर खाएगा ही नहीं ना भाजी। खा लेता है, खाना तो खाएगा वो लेकिन हील नहीं करेगा उस खाने से। जैसे खाने से हील हो जाते हैं ना, बस वो नहीं करेगा। खाना नहीं खाया तो स्लो हो जाऊंगा मैं, आ ही नहीं पाऊंगा वहां से वापस। चलो गाइस वॉल्ट खोलते हैं। अब मुझे नहीं पता, देखो नॉर्मल वाला वॉल्ट है, धीरे धीरे ये रेयर होते जाएंगे जैसे जैसे मेरा खुद का लेवल बढ़ता रहेगा। फिलहाल इसको खोलते हैं। ओपन है वॉल्ट, आर यू रेडी? वर्ल्ड के अंदर आयरन गोलम बनाओ, उस पर सारे मॉब एग्रो हो जाएंगे। नहीं यार, अच्छा वर्ल्ड के अंदर बना सकता हूँ मैं वैसे, है ना? आइडिया तो मेरे को सही सही दे रहे हैं बंदे भाई, लेकिन आयरन की बहुत कमी है गाइस। फार्म बनाना पड़ेगा। आयरन का फार्म बनाना पड़ेगा तब हो पाएगा ये। इन्वेंट्री पूरा खाली है, सिर्फ और सिर्फ बढ़िया चीज़ें उठाऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं उठाऊंगा। वाटर बकेट, मैं ब्लॉक लेना भूल गया। ब्लॉक ले लेता हूँ, वाटर बकेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी अंदर मुझे डेफिनेटली। चलो गाइस चलते, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जो सामान मिलेगा लूटते रहेंगे।
हीलिंग पोशन भी तो पड़े थे ना एक दो और। नहीं नहीं अब मेरे को उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना। ओके तीन ढूंढ रहे हैं मुझे, 24 मिनट का टाइम मिला है मुझे। सीधा ही जाऊं क्या, मार कर देखो इसको। अरे वन शॉट मर रहा है भाई, नाइस। वैसे मैं अभी पहले तो सीधा ही जाऊंगा, टॉर्च लगाता हुआ जाता हूँ। ओके शुरू शुरू में तो कुछ भी नहीं मिला भाई मेरे को लूट के नाम पे। ओ भाई वन शॉट मर रहे हैं, नाइस। ये वाला वोल्ट रन हो सकता है मेरा, बढ़िया ना। ओके नाइस, ओ डैमेज भी नहीं दे पाए मेरे को वो, बहुत बढ़िया। भाई चेस्ट तोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे, चेस्ट नहीं तोड़ूंगा। ओ हो कमाल का लूट है भाई, मजा आ गया। मेरे को सारी चेस्टें लूटते हुए जाना है ना, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्टें लूट लूँ मैं, और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लूटूँ। फालतू के आयरन वायरन कुछ नहीं उठाऊँगा मैं। ओके गाइस, और मेरे को वापस भी आना है ओब्लिक्स टच करके। ये क्या होता है भाई? अच्छा ये तोड़ना पड़ता है ना, इसके अंदर TNT ट्रैप होता है इसमें, एरा ट्रैप। ओके ट्रैप में कुछ निकला, कुछ भी नहीं था ट्रैप में। गैस ये वाला रन अपना सक्सेसफुल होगा। ओ भाई कैसी आवाज आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ म्यूजिक बंद करता हूँ, थोड़ी वोल्ट की आवाजें सुनने में ना मजा आता है। चलो ये भी ट्रैप है, डेफिनेटली ट्रैप है 101%। इसको भी तोड़ ही देते हैं। ओके इसके नीचे कॉल था, ठीक है, नहीं चाहिए भाई कॉल। ओब्लिक्स अभी तक एक भी नहीं दिखा मुझे। खाना खाओ, रिलैक्स होके लूटूंगा भाई सारी चीजें, जल्दबाजी में कुछ नहीं, कभी काम खराब हो जाए। ओके ओब्लिक्स मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा है, ये कुछ अलग सी दुनिया लग रही है मुझे। अरे यार ट्रैप चेस्ट, शिट। अरे मैं, मेरे को चेस्ट दूर से खोलनी चाहिए, मैं ये कैसे भूल गया भाई कि यहाँ पे ट्रैप भी होते हैं। और प्रोटेक्शन भाई बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, ये मेरे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल। मैं यहाँ पे वो भी चीज चेक करने वाला हूँ। ओके मेरे को ज्यादा नहीं डैमेज दे पा रहे हैं ये, तो ये चीज बहुत बढ़िया है, वरना अभी तक तो मैं दो बारी मर गया होता। बाकी मैं दो टोटम ऑफ अंडाइंग भी लेके आया हूँ, तो वो चीज भी यहाँ पे बहुत सही रहेगी। फिलहाल मेरे को टाइम पे भी ध्यान रखना होगा, 21 मिनट है मेरे पास अभी पूरा वॉल्ट रन करने के लिए। और ये एक तरह का विलेज है। ओके अरे यार ये तो मेरे को लूटने ही नहीं देंगे इस विलेज को। थैंक यू सो मच क्रीपर भाई। अरे मर जा यार तेरी ऐसे की तैसी। ओके मेरे को रीजनरेशन इंस्टेंट हेल्थ भी चेक करके देखना है, बट मैं चेक करने से पहले, जब तक चेक नहीं करूँगा जब तक मेरा थोड़ा हेल्थ कम नहीं हो जाएगा। अबे कितने आएंगे, रुक जाओ ना थोड़ा सब्र करो, ये तो आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, चेस्ट नहीं देखने दे रहे मेरे को ढंग से। अरे यार मर जाते। ओके गाइस सिल्क टच से यूज करूंगा, और भाई इनमें ट्रैप भी होते हैं तो थोड़ा दूर से ही करूंगा मैं ये सब चीजें। ओके यहाँ पे अंदर भी है सामान, तो क्या कुछ नहीं है अंदर, ऐसे ही था ये अंदर का मामला। ओके यहाँ पे एक चेस्ट है, वॉल्ट चेस्ट है यहाँ पे, बट वो खुल नहीं रही है। उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? अच्छा कुछ नहीं था उसमें, वो शलकर निकला। व्हाट, अबे ये क्या हो रहा है, माल गिर रहा है इसके अंदर से। तो भाई शलकर का मिला भाई एक पीस। मिस्ट्री बॉक्स पावर बार गिव यू स्ट्रेंथ फॉर 30 सेकेंड, स्ट्रेंथ 4 मिलेगी मुझे इससे। ओके चलो फिर ले लेते हैं स्ट्रेंथ 4। ओके लेट्स गो, मर जा भाई।
मर जा। और क्या है यहाँ पे कुछ? ओ कंप्रेस्ड नेदर ब्लॉक। अबे यार वैसे ये कंप्रेस नेदर ब्लॉक की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि नेदर ब्लॉक तो इजी पीजी मिल जाते हैं। नेदर ब्लॉक है ना, नेदर रैक नहीं चाहिए यार। और कितनी चेस्टें हैं यहाँ पे भाई? थोड़ा दूर से ही लूटूंगा चेस्टें। में स्लाइम बॉल ले रहा हूँ मैं क्योंकि स्लाइम बॉल की मेरे को जरूरत पड़ेगी। इसको बंद कर देते हैं। ट्रैप चेस्ट ना हो बस ये। ओके नहीं है गाइस, अभी चैट थोड़ा नहीं पढ़ पाऊंगा भाई क्योंकि नहीं पढ़ पाऊंगा। बस बुक मेरे को चाहिए तो डेफिनेटली ये तोड़ने वाला हूँ मैं। बुक की मेरे को बहुत ज़रूरत है भाई, इंचेंटमेंट के लिए बुक चाहिए। अजीब सी आवाज़ आई यार। और नहीं मिल रहे जैसे जेम्स वगैरह मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, है ना? जेम्स तो मिले नहीं होंगे। हाँ वही तो। ये क्या था? आवाजें बड़ी खतरनाक है यहाँ की, क्रीपी सी आवाजें हैं। वार्निंग तो नहीं दे रहे? टाइम वार्निंग। वैसे मैंने एक ही जगह पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं निकाल दिया ना। चलो यार आगे चलते हैं। ओ ये क्या है? ओ सामने ओब्लिक्स दिख रहा है मुझे। नाइस। बाय द वे गाइस मैं कहीं नहीं गया हूँ लेफ्ट राइट, मैं सीधा सिंपल सी सामने आया हूँ। कोल है तो। ओके यहाँ पे मेरा वॉल्ट ख़त्म हो गया, मतलब मैं बिल्कुल सही आया हूँ सीधा सीधा। ये एक तरह की सिटी है और मैंने अभी तक एक ही ओब्लिक्स टच किया है तो मतलब मैं बॉस फाइट तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है भाई इसको ही कर लेते हैं थोड़ा सा चेक। अच्छा ये तो फालतू के दरवाजे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अंदर है जो भी है। ओके ये क्या है? ये तो बेड है। ये बेड मतलब क्या, मेरे को ऐसे दिखेंगे? सामने एक स्पोनर लग रहा है, वो स्पोनर मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को स्पोनर की जरूरत है। लेट्स गो। टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा। ओ अंदर एक चेस्ट भी रखी हुई है। स्पोनर मिला? स्पोनर नहीं मिला। व्हाट? अभी स्पोनर नहीं मिला यहाँ पे, मतलब स्पोनर नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे। ओके पोशन ऑफ हीलिंग नाइस। फालतू का सामान निकालो इन्वेंट्री से, आयरन वगैरह। यहाँ पे मिल रही है चेस्ट लेकिन बहुत ही रेयर सी लग रही है चेस्ट यहाँ पे। डस्ट मिली मुझे एक अलग से तरीके की। अरे यार यहाँ तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा स्पोनर्स के उसके लिए, लूट के लिए। ये जगह मज़ेदार नहीं है, छोड़ो। लेफ्ट राइट में भी थी वोल्ट। अब मैं आते वक्त ना लेफ्ट राइट के सभी चीज़ें चेक करता हूँ चलूँगा, है ना? लेफ्ट राइट की चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी अब मुझे। अबे क्या है ये? चुड़ैल आ गई चुड़ैल। कोई तो मोह वजो अदृश्य है, मार रहा है मुझे। ओके मैं एक लाइन बना देता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पे जाना है मुझे। कोई तो एक अदृश्य मोह वजो मुझे मार रहा है। होली क्रैप ये कैसी जगह है भाई? अबे ये तो बहुत बड़ा है वे। 15 मिनट बचे हैं, ये भी एंड हो गया इसका। यार खो जाऊंगा ऐसे तो मैं। इसमें नीचे है चेस्ट। ओके मुझे खाना खाना पड़ेगा थोड़ा। नीचे से चेस्ट लेके आता हूँ। ओ भाई बढ़िया है, एंडर पल को बाहर निकाल लेता हूँ। सी लालटेन वगैरह भी है यहाँ पे। ये क्या है? ब्लैक कंक्रीट। यार जो चीज़ ज़्यादा चाहिए मुझे वो नहीं मिल रही है, मतलब मेरे को यहाँ के ओर वगैरह नहीं मिल रहे ना, वो ओपाल वगैरह कुछ भी नहीं दिखा अभी तक। फिर वो कहाँ पे मिलेंगे भाई?
रॉक की टायर होना ही चाहिए। एमरल्ड ले लूँ क्या? ले लेता हूँ। एमरल्ड नहीं ले रहा मैं ना। एमरल्ड तो है। एमरल्ड का तो जुगाड़ है अपने पास। यहाँ का हो गया काम। चलो भाई ये भी काम आएगा डैश। इसमें ना लेफ्ट राइट में भी रास्ता है यार अंशु, इधर जाके देखूँ एक बारी। देखो ऐसा तो नहीं है वो और हाई लेवल के वोल्ट में मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है ना। मर। एक भी अच्छा। ओ भाई ओब्लिक्स है यहाँ पे, नाइस। एक ओब्लिक्स और चाहिए मुझे। 14 ही मिनट बचे हैं मेरे पास। क्या ये भी अंदर तक जा रहा है क्या? देखता हूँ कितना अंदर जा रहा है यार, खो ना जाऊँ मैं कहीं। चलो एक ओब्लिक्स और मिल जाए बस। यहाँ पे है चेस्टे तो भाई भर भर के। नहीं चाहिए एफिशिएंसी। अबे ये तो रास्ते यार बहुत सारे, खो जाऊंगा मैं अनांशु। वापस वहीं से निकलना पड़ेगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं होता, वहीं से निकलना पड़ता है। वो टाइम निकल गया हो तो, नहीं पहुंचे तो? नहीं पहुंचे तो सारी लूट यहीं रह जाएगी। मैं भी यहीं रह जाऊंगा अपनी लूट के साथ। वापिस भागता हूँ है ना। ये देखो ना हर वोल्ट में रास्ते कट रहे हैं अंदर तक। ये देखो इसमें भी जा रहा है एक रास्ता इधर, ये रहा। ये देखो भाई कैसे कर पाऊंगा या मेरे को समझना पड़ेगा इसको। क्या पता होता हो कुछ रास्ता वास्ता, कुछ तो होता ही होगा है ना। लूटिंग 3। एक आधे रास्ते में घुस के देखता हूँ। मेरे को एक बार ही बॉस ओब्लिक्स और मिल जाए, मैं एक बार बॉस को मार के देखना चाहता हूँ। भाई ये थोड़ी सी भूल भुलैया वाली जगह है। मर जा भाई। ओके एक अलग तरीके वाला और मिला मुझे। ओ भाई मिली एक बढ़िया वाली चेस्ट मिली। मॉन्स्टर सोल्स 4 skills। 4 kills क्या है ये? 4 kills क्या करने पड़ेंगे भाई? 4 kills समझा नहीं मैं। 4 kills मॉन्स्टर सोल। अरे मॉन्स्टर सोल कहाँ से लाऊं मैं? 4 को मारो यहाँ पे शायद, क्या पता उससे हो रहा। नहीं कोई सोल डालनी है इसके अंदर 4, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ओ स्लोट 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 मिला स्लोट। अरे यही तो है सोल, ये है शायद है ना मॉन्स्टर सोल। ये देखो 2 मार दिए मैंने। स्लोट खोल लेता हूँ। 3 4 अबे कितने मारूं? अब तो और भी ज्यादा मार दिए। अब तो क्या आते ही रहेंगे ये? अब जाके खोल के देखता हूँ उसको। ओके हो गया, ये खुल गया। अबे यार तू आ जा पहले। ओके खुल गया। विदर स्कल मिला। स्माइट, स्माइट नहीं चाहिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई अलग ही सीन है। 10 मिनट बचे हैं। एक ओब्लिक सोर ढूंढना है। मैं तो थोड़ा रास्ता भी भूल गया कहाँ से आया था भाई। मैंने टॉर्च लगाई हुई है बाय द वे। कहाँ से आया था? सारी तरफ टॉर्च लगी हुई है अंशु। यहाँ पे भी टॉर्च लगी हुई है।
शायद यहीं से आया था मैं। अबे हटो ना यहाँ से। नहीं यहाँ से नहीं आया था। अबे ये अदृश्य मॉन्स्टर यार क्या करूँ इनका, इंस्टेंट हीलिंग लेनी पड़ेगी मुझे एक। रुको रुको आगे जाके लेता हूँ। ओके नाइस, एक बार में हुआ ही नहीं कुछ। गाइस मुझे लगता है मैं खो गया हूँ और अब घर जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। 9 मिनट है भाई, मैं आपको खोल के भी नहीं देख सकता यार। मैप में मार्क लगाना था आपको। वहाँ पे मार्क लगा देते मैप में, है ना। मेरे को टॉर्च भी लगाने चाहिए थे, मैंने लगाई नहीं टॉर्च। अरे लगी हुई है। सही जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। हो गया हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक पत्थर लगाया था, कहाँ पे था वो रहा। नाइस 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 नाइस। जिंदा निकल जाओ यहाँ से मैं भाई, अगली बार से ध्यान रखूँगा। अब तो अदृश्य वाले भी आ रहे हैं यार ये। अब यहाँ से मैंने एक पत्थर टॉर्च लगाई थी वो रही। ये तो शायद अंदर की साइड था। नहीं सही जा रहा हूँ, चलो बढ़िया है। अब तो निकल जाऊँगा बाहर। मेरे को थोड़ी ज्यादा टॉर्च प्लेस करनी चाहिए है ना अंशु। चलो कुछ निकलने के रास्ते पे। हाँ वो ऐसा करता हूँ, वो लास्ट वाला बॉस है ना, निकलने के रास्ते पे चेक करता हूँ ना, अगर लास्ट ऑब्लिक्स मेरे को मिल जाए वहाँ पे उधर ही चेक करूँगा। और थोड़ी सी स्पीड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, स्पीड नहीं है मेरे पास। चलो बाहर तो आया मैं, 7 मिनट है अभी मेरे पास। चलो आ गया वोल्ट के पास। अब मैं इस वाले पे जाता हूँ, लेफ्ट वाले पे। ओ अंशु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे एक जैसे हैं रास्ते, मतलब ये सभी रास्ते एक ना एक जगह पे मिलेंगे जा करके, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, है ना, क्योंकि देखो ये वाला बायोम ना पिछले मैंने देखा था। यार ये अदृश्य वाले बहुत खतरनाक है। ये देखो है ना अंशु, अबे यार पूरी जनता पार्टी आ रही है। ये देखो ऊपर से वो अदृश्य वाला बहुत डैमेज दे रहा है यार। थॉर्न लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है अपने अंदर, तभी मरेंगे। देखो 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 वही रास्ता है अंशु, देखा ना लैपिस का ब्लॉक और वो स्पॉनर लगा हुआ है वहां पे, मिल रहे हैं एक दूसरे में। हाँ ये रास्ते मिल रहे हैं भाई, ये देखो ना एफिशिएंसी 5 है ना, बस ये ऊपर वाला ब्लॉक रहता है, बाकी तो लूट ही लिए थे मैंने यहाँ पे। घूम फिर के वापस आ गए। हाँ वही रास्ता है मतलब। ठीक है तो इसका मतलब अगली बारी में सही तरीके से कर सकता हूँ चीज। यही चीज तो पता करनी थी भाई। और ये स्पॉनर मिलेंगे, एक ओब्लिक्स रहता यार, स्पॉनर नहीं मिल रहे हैं यहाँ से। लैपिस का ब्लॉक क्यों ले रहा हूँ मैं। चलो जरा एक बारी वो लास्ट वाला बॉस देख लेता हूँ, मिल जाए तो। एक ओब्लिक्स रहता है, 5 मिनट रहते हैं। इस वाले में चल के देखते हैं, इस वाले में नहीं गया मैं अभी। लेफ्ट मतलब ये है, क्या है प्रिज्मरीन टाइप। ओ हो यहाँ तो भीड़ है पूरी की पूरी। अरे यार ये छोटे वाले बच्चे सारे मरते नहीं है जल्दी से। Yeah.
भाई चैट, एक चैट की तरफ देख भी नहीं पाया मैं, इतना ज्यादा भसूड़ी मची पड़ी है यहाँ पे। एक ऑब्सलिक दिख जाए बस यहाँ पे, अंदर कुछ केज सा लटका हुआ दिख रहा है मुझे। ओ भाई ये क्या बसूड़ी है यहाँ पे, ओ तेरी की, ये थोड़ा टफ रास्ता यार है ना। लावा इसमें तो खतरनाक रास्ता है ये अंशु, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो ये रहा आखिरी ऑब्सलिक। ओबे तेरी, अबे तेरी ऐसे कि तैसी सालो भाई, ये घेर देंगे लास्ट ऑब्सलिक, देख रहा कितना खतरनाक है। अरे यार कैसे जाऊं वहां तक, बिल्ड करके जाना पड़ेगा क्या। चलो पहुंच तो गया, आखिरी ऑब्सलिक है, लेकिन यहाँ पे बॉस स्पॉन हो जाएगा मुझे लग रहा है। मैं एंडर पल है मेरे पास, खाना खा के रीजनरेट कर लेता हूँ एक बारी। ओके मैं ओ भाई ये क्या स्पॉन कर दिया मैंने अंशु क्या मैं जिंदा बच के जा पाऊंगा यहाँ पे। ओए हो जाएगा, मैं सही जगह पे हूँ बिल्कुल। ओ भाई 3 मिनट अंशु, 3 मिनट है मेरे पास। अबे ये क्या हुआ, अबे टाइम कम कैसे हो गया, कितना हुआ, इसको मारने से कम हुआ क्या। हाँ You are teleported, loading Terran. अभी मैं घर पे आ गया। ओ भाई अगर मतलब बॉस मार देते हैं तो सीधा घर पे आ जाएंगे हम। ये तो और भी बढ़िया है भाई, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, वापस जाना ही नहीं पड़ा। ओ भाई बॉस क्रेट लूटो, अरे यार बॉस क्रेट छोड़ के आ गया, मेरे को पता नहीं था उसके बारे में यार, शिट भाई मैं इतना बौखला आ गया ना कि मेरे बॉस क्रेट देखा ही नहीं। लो अरे यार एक बार चैट पढ़ के बता देता अंशु, मजा आ जाता। हाँ वो एक छोटा सा क्रेट तो देखा था मैंने, आयरन जैसा। उसने क्या ड्रॉप किया, बॉस ने कुछ ड्रॉप, वो चेस्ट ड्रॉप की थी ना उसने। चलो एक खोल के देखते हैं पैकेट मिले हैं कुछ। ओ भाई साहब एक्सपेंसिव चीजें लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया। चलो पहले तो डायमंड रख देता हूँ, काफी सारे डायमंड मिल गए, एमरल्ड का पूरा ब्लॉक। और ये खाने पीने की चीजें भाई ऊपर वाले में आएंगी। ये देखो गिफ्टेड स्टैचू, ये क्या है भाई गिफ्टेड स्टैचू। ओ ये क्या मैं हूँ, ओ भाई 4x4 गेमिंग नाइस। ये चलो ये गिफ्ट है हमारा, इस गिफ्ट को लगा देंगे हम कहीं पे बढ़िया सी जगह पे, अभी नहीं लगाते बाद में लगाएंगे। इसमें मैं जिसका भी नाम लिखूंगा शायद वही आ जाएगा इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई साहब मजा आ गया यार रन करने में, भाई क्या एडवेंचर हो रहा था, गजब गजब एडवेंचर है भाई। केज डस्ट मैग्नाइट, क्या बन रहा है मैग्नाइट से, अब बनेंगी मेरी चीजें वैसे बढ़िया बढ़िया। नेदर स्क्रैप वोल्ट कर सकते हो आप इनसे है ना टूल, हाँ इन टूल से नॉर्मल वोल्ट हो जाएगा। बाकी भाई ये प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया काम कर रहा था भाई, पता है तगड़ा काम कर रहा था ये प्रोटेक्शन, डैमेज नहीं होने दे रहा था ज्यादा। चलो गिफ्ट कार्ड खोलते हैं गाइस, काफी सारे गिफ्ट कार्ड मिले मुझे। ओपे 11 डायमंड मिल गए, लोल ओ भाई सही है यार। रिलिक बूस्टर पैक, इससे क्या होता है, अनस्पेंट स्किल्स। अबे मेरे को मेरा एक स्किल भी खुला है बे, लोल पॉइंट मिला है, हाँ एक पॉइंट भी मिला। एक पॉइंट से क्या ही होगा, हाँ वैसे एक पॉइंट से क्या होगा, इसमें कुकीज मिलती हैं, कुकीज से ना लेवल बढ़ता है। मिली नहीं मुझे अभी तक कुकीज, शायद मुझे अगले हैवी वाले उस पे मिलेगी है ना।
चलो एक इसमें लगा देता हूँ, वैसे मेरे पास एक और है पता है, वोल्ट क्रिस्टल में एक और रन कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए भाई मुझे लगता है इतना काफी हो गया है। ये है मेरे अगले वोल्ट की रेसिपी, 2 सैडल 6 ब्लेज रोड, ये तो इजी पीजी है। 2 ये 6 वो है, और क्या था, 101 स्टोन 6 कोल 4 कोल, मतलब इजी रेसिपी है ये तो, हो जाएगी है ना। कोल बनाना पड़ेगा बस मुझे, कोल है नहीं मेरे पास, कोल बनाना पड़ेगा। और क्या था, कोबलस्टोन भी लाने पड़ेंगे, खत्म हो रखे हैं। तो चलो गाइज यार मेरे को लगता है भाई आज के लिए इतना काफी है भाई। ओ भाई ओ यार लाइक कर दो गाइज, मजा आ गया यार। अगला वोल्ट रन अगर आप देखना चाहते हो ना तो जरूर से आना स्ट्रीम में, बहुत ही तगड़ी चीज करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा और ओपी करूंगा यार आर्मर को, है ना अंशु, और थोड़ी सी और भी ऐसी चीजें बनाऊंगा, और कुछ ऐसा एक तरीका बना के देखूंगा जिससे मैं रास्ता ना भूलूं, है ना। और मेरे को शल्कर की जरूरत पड़ेगी भाई, अंदर शल्कर की जरूरत पड़ती है। मैं अब ये बताओ आप एक पॉइंट से वो खोल सकते हो वे स्टोन? हाँ वे स्टोन लगा ले लो एक, और वहां पे लगा के निकल लेना घर पे लास्ट टाइम हो तब, अगर वॉर्प स्क्रॉल बनाना पड़ेगा है ना। वॉर्प स्क्रॉल के लिए, वॉर्प स्क्रॉल के लिए देखता हूँ क्या रेसिपी है। देखो अगर मैं सिंपल वाला वॉर्प स्क्रॉल बनाता हूँ तो वो तो उसकी तो रेसिपी नहीं दिखा रहा। ये देखो ये है वॉर्प स्क्रॉल की रेसिपी, पैन की यार क्या ये एंडर वॉचर। चल एंडर वॉचर तो मैं बना भी लूंगा ठीक है, फिर ये कैसे बनाऊंगा। ये 1 2 3 4 क्रिस्टल है, परफेक्ट बेलेनाइट, और मेरे को अभी तक कितने बेलेनाइट मिले हैं देखता हूँ, 5 ही मिले हैं मेरे को अभी तक परफेक्ट बेलेनाइट। और ये कम से कम मेरे को चाहिए 4 × 4 = 16 चाहिए, 16 बेलेनाइट चाहिए, प्लस ये बीच वाला पीओजी भी चाहिए मुझे जिसके अंदर देखो ये चीजें हैं सब। हो तेरी की भाई ये तो बसूड़ी है एक तरह की, रेसिपी डाली है इन सब ने। अबे ये कस्टम है ये भाई, डेवलपर्स ने बहुत लंबा वाला पैक बनाया बनाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे प्रोग्रेस होगी इसके अंदर, है ना, अच्छी चीजें ज्यादा मिलेंगे फिर अपने को, क्योंकि अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत कम मिल रही है सस्ती सस्ती सी। अभी तो स्टार्टिंग ही है लेकिन भसूड़ी बहुत मची भाई अंदर, मजा आ गया। ओहो एक अंदर वो जो होती है ना टाइमर को देख करके भागने की इच्छा वहां से, वो तगड़ी है भाई। चलो चलो गाइस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, और जिन्होंने भी आज भाई सुपर चैट और इतने सारे हमारे मेंबर बने उनका स्वागत है भाई 4x4 आर्मी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।